जाएगा एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं. जस्ट टू गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट अबाउट दिस ट्रेनिंग अबाउट माई सेल्फ कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं. मेरा नाम हसन जावेद है. एज यू नो आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव अप्रिसिएशन. आप लोगों का फॉलो अप मैसेजेस आते हैं जिसमें आप क्वेश्चंस करते हैं विच इज वेरी गुड कि आपको वीडियो अच्छी लगी आप देन उस आइडिया को आगे लेके जाना चाहते हैं उसके बारे में क्वेश्चन होते हैं. एंड देन आई अप्रिशिएट दैट आई लाइक दैट कि आप लर्न करना चाह रहे हैं आप अपनी लाइफ में कुछ आगे सीखना चाह रहे हैं. तो यू कैन ऑलवेज ऑलवेज सेंड अस अ क्वेश्चन. हमारी टीम है लाहौर के अंदर हमारे पास सोलिसिटर्स हैं हमारे पास जो रिसर्चर्स हैं वो कंटेंट को रिसर्च कर रहे होते हैं. तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आपको हम बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हैं. आइडिया इज वी अप्रिशिएट व्हेन यू गेट बैक टू अस. ये ट्रेनिंग हम क्यों कर रहे हैं हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग फॉर यू गाइस फॉर पीपल इन पाकिस्तान. असल में पाकिस्तान के अंदर अक्सर बिजनेसेस जो लोग स्टार्ट करते हैं वो पहले 3 से 5 साल के अंदर वो बिजनेसेस बंद हो जाते हैं. इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनमें से 90% लोगों के बिजनेस पहले 3 से 5 साल में खत्म हो जाएंगे और उनकी इन्वेस्टमेंट उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उनकी जो सेविंग्स है वो सारी की सारी वो खत्म हो जाएगी. ठीक है, इसका मतलब है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो खानदान है वो इससे अफेक्टेड होते हैं. और इसकी रीजन क्या होती है क्योंकि वो राइट एट द बिगनिंग जो शुरू की स्टेज होती है ना उसमें वो प्लानिंग सही तरीके से नहीं कर सकते. उनको आइडिया नहीं होता कि बिजनेस को हमने स्टार्ट कैसे करना है. जस्ट बिकॉज के वो चाहते हैं कि बिजनेस में आए वो अपने पैसों को लगा देते हैं उसके बाद वो स्टक हो जाते हैं. तो ये ट्रेनिंग का मकसद ये है कि लोगों को आइडिया हल्का सा एडवाइस किया जाए कि कौन सी बेसिक बिजनेस प्लानिंग की वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपने क्या करना होता है जो आपको हेल्प कर सके अपने बिजनेस को आगे लेके जाने में. मेरा बैकग्राउंड आप लोगों ने मेरी वीडियोस तो देखी हैं काफी ज्यादा आप लोग देख रहे हैं आजकल. मैंने MBA किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से विच इज इन लंदन एंड दैट वाज इन इंटरनेशनल बिजनेस. उसके बाद मैं अपना बिजनेस करता हूँ यूके के अंदर. सो आई एम नॉट वन ऑफ दोज ट्रेनर्स जो पैसों के लिए हम लोग काम करते हैं. वी जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग पीपल कि अगर किसी की हेल्प हो जाए तो उसको फायदा होगा. इससे पहले मैंने पाकिस्तान से MA इंग्लिश किया हुआ है. मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है. सो एकेडमिया वाइज जो सर आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑल द यू नो द ग्राउंडिंग्स जो आपको हेल्प करती हैं बिजनेस में जाने के लिए बिजनेस को सिखाने के लिए. एंड देन प्रैक्टिकली आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी मिलियन बिजनेस अपना हमारे पास 300-400 लोग काम कर रहे हैं और हमने पाकिस्तान के अंदर भी अपना ऑफिस हमने खोला हुआ है वहाँ पे हमारे पास टीम काम कर रही है. तो वी आर ग्रोइंग एज अ पर्सन एज अ बिजनेस एज अ कंपनी वी आर ग्रोइंग. और जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो ग्रेटिट्यूड ये होता है आपका कि आप कहते हैं यार मुझे तो हेल्प हुई है कुछ चीज़ों की वजह से जो मैंने लाइफ में मुश्किल से सीखी या मैंने बहुत मेहनत की अब इनका दूसरों को भी हेल्प हो जाए. सो दैट इज द होल आइडिया कि हम क्यों ये ट्रेनिंग करके लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं. इस ट्रेनिंग में अंदर मैं आपके साथ हूँगा और हमारे साथ एक और होंगे ट्रेनर उनका नाम है फिलिक्स हमारे साथ होंगे इस ट्रेनिंग के अंदर. Okay, just let me see if I can invite him. So just give me like 1 second. I just want to send a link to Felix here because we have again started. So this link definitely Felix will not have Felix's pass. So let me just send him the link. Right, okay, that's done. Right. हमने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं आपके लिए ताकि आप उसको देख भी सकें जो चीज़ आपको सिखाई जाएगी आप उसको विजुलाइज कर सकें आपको आइडिया हो कि एग्जैक्टली हम क्या पढ़ा रहे हैं. तो आई एम गोना शेयर स्क्रीन एज वेल. जस्ट कंफर्म कि आप ये स्क्रीन देख सकते हैं. कमेंट बॉक्स के अंदर साथ साथ में करते रहिए ताकि हमें आइडिया हो कि हमारी आवाज़ हमारी जो हम मटेरियल शेयर कर रहे हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं वो आपको नजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा. Right. अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है. फिलिक्स इज ग्लोबल मार्केटिंग कंसल्टेंट वन ऑफ द टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड जो दुनिया की टॉप 100 कंपनीज उनमें से वो एक कंपनी में काम करता है. हम लोगों ने इकट्ठे काम किया था आज से कुछ 12 साल पहले एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट सेल्स पर्सन ठीक है इन आई वुड से इन द वर्ल्ड क्योंकि उसके पास ही इज गॉट द स्किल्स जिसकी वजह से वो ही इज अर्न्ड अ लॉट इन हिज लाइफ. तो आज हम उससे भी बेनिफिट लेंगे. हम लोग जो ट्रेनिंग्स करते हैं ना जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन जो हम ट्रेनिंग्स करते हैं वो
पेड होती हैं, अक्सर लोग हमें पे करते हैं और वो सेल्स ट्रेनिंग होती हैं, लेकिन इस ट्रेनिंग को हमने फ्री रखा इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे अमल करें, इसको समझ सकें कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करते हैं. सो वंस यू ऑफ कोर्स वंस यू गो थ्रू ऑल दिस, तब आपको आइडिया हो जाएगा यार एग्जैक्टली मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना है. सबसे पहली चीज जो आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर इज कि एग्जैक्टली जब आप सोचते हैं कि जी मैंने बिजनेस करना है, तो आप ऑफ कोर्स आप अपनी जॉब में हैं, आप अपनी आप 9 to 5 काम कर रहे हैं, आप 7 to 3 काम कर रहे हैं, आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है, 12 घंटे की शिफ्ट है, आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं. जब आप उससे निकल के बिजनेस में आना चाहते हैं ना, जब वो वेरी थॉट, वो जो ख्याल आता है ना कि यार मैंने बिजनेस करना है, तो उसके लिए साथ ही आपको अपने आप को मेंटली फिजिकली आपको तैयार कर लेना चाहिए एक ऐसी लाइफ का जो कि बहुत डिफरेंट है आपकी इस लाइफ से जो आप जॉब में है. ठीक है, आप चाहे घर से काम करें, आप चाहे कपड़े बेचें, आप अपने सॉफ्टवेयर लेके आए, जो भी आप करें, आपने जैसे ही बिजनेस करने का सोच लिया, आपकी लाइफ में एक मैसिव चेंज आ जाएगा. और आपको समझना पड़ेगा कि एज ए एंटरप्रेन्योर एक एज ए सेड के ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है बिजनेसमैन. एज एन एंटरप्रेन्योर आपने जब आप सोचते हैं कि जी मैंने अब बिजनेस में चले जाना है, मैंने अपना प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाना है, मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने ग्रो करना है, अपनी लाइफ को बेटर करना है, अपने बच्चों की लाइफ को बेटर करना है, जब आपके जहन में ये आना शुरू हो जाता है ना, तो उस वक्त राइट एट दैट मोमेंट आपकी लाइफ चेंज हो जाती है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब बिजनेस में जाने से पहले ये है क्या एग्जैक्टली, ये बिजनेसमैन होता क्या, उसके मेन उसके अंदर क्या वो मेन क्वालिटीज हैं जो एक बिजनेसमैन में होनी चाहिए. सो द फर्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ही इज वेरी पैशनेट पर्सन. उसका जो पैशन का लेवल होता है ना, इज अ वेरी पैशनेट पर्सन, उसका पैशन का लेवल बड़ा हाई होता है. वो अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी सर्विस को लेके ना, वो बहुत पैशनेट होता है. उसका उसकी उसकी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूँ, मैं लोगों के सामने अपने बिजनेस को लेके जाऊँ, मैं अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करूँ, लोग मेरे प्रोडक्ट से मेरी सर्विस से बेनिफिट करें. ये उसकी उसकी उसका ये पैशन होता है. उसका पैशन होता है कि मैं अगर एक इलाके में काम करता हूँ तो मैं पूरे शहर में मेरा बिजनेस हो, फिर मैं नेशनली काम करूँ, फिर मैं इंटरनेशनली काम करूँ, वगैरह वगैरह. तो वो ही इज वेरी पैशनेट अबाउट द होल थिंग. अगर उसने वो प्रोडक्ट खुद इन्वेंट किया है, अगर वो कोई ऐसा बिजनेस है, ऐसी कोई नई चीज लेके आया, तो उसके बारे में ज्यादा उसकी एफिलिएशन होगी, उसका दिल करेगा यार मैं लोगों को बताऊं कि मेरा प्रोडक्ट क्यों उनको उनको बेनिफिट कर सकता है. पैशनेट होना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ के अंदर. अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज लेने जाते हैं, और फॉर एग्जाम्पल आप एक कपड़ों की दुकान में जाते हैं, वहाँ पे आपको सेल्स पर्सन मिलता है, दूसरी शॉप में जाए वहाँ पे भी एक सेल्स पर्सन मिलता है. पहला सेल्स पर्सन आप देखते हैं कि उसमें पैशन लेवल बिल्कुल स्लो है, वो इज अ लेट बैक पर्सन, बैठा हुआ है फोन से, कहता जी ये कपड़े हैं पसंद आते हैं ले लें, नहीं आते ना. दूसरी तरफ आप जाते हैं, वो बंदा आपको आपको कपड़े दिखाता है, वो कहता है जी आपकी बॉडी आपकी फिजिक के हिसाब से आपको ये कट अच्छा लगेगा, ये कलर आपका कॉम्प्लेक्शन लेवल है इसके साथ ये कलर अच्छा लगेगा. नाउ यू कैन सी दैट पर्सन, कि उस पर्सन में उस बंदे के अंदर इतना पैशन है, इतना लेवल उसका इतना हाई है कि आप उसकी प्रोडक्ट को आप वैल्यू करना शुरू कर देंगे. आप कहेंगे यार ये जो बंदा चीज दे रहा है ना, इसके अंदर कुछ है, मुझे ये लेना चाहिए. हालांकि सेम चीज होगी, प्रॉब्ली पिछली दुकान में बेहतर हो, लेकिन जस्ट बिकॉज के वो एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन है, उसका पैशन देखते हुए आप कहेंगे यस मुझे यही यहां से लेना है क्योंकि मुझे इस बंदे पे ट्रस्ट है. तो यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर सर्विस. नेक्स्ट थिंग इज बीइंग पॉजिटिव. आप कितने पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिविटी एग्जैक्टली है क्या? एक चीज ध्यान में रखें, जब आप बिजनेस शुरू करेंगे ना, आपके जहन में पहले ये होगा कि यार मैं बिजनेस शुरू करूंगा, एकदम से क्लाइंट आ जाएंगे, एकदम से लोग आ जाएंगे, मेरी शॉप पे आएंगे, आके चीजें लेंगे, कहेंगे यार तुमने तो बेहतरीन चीज रखी हुई है. ऐसा नहीं होगा, ना लोग आएंगे ना आपकी चीज एकदम से बिकेगी, आपको टाइम लगेगा, आपके अंदर उसके अंदर मार्केटिंग सेल्स बहुत सारी चीजें होंगी. और आप देखेंगे कि अक्सर एज ए सेड के अक्सर लोग 3 साल में उनका बिजनेस खत्म हो जाता है, 3 से 5 साल में 90%, यानी कि अगर 100 बंदे ने जाकर बिजनेस स्टार्ट किया तो 90 लोगों का बिजनेस खत्म हो जाएगा. जो बाकी 10 होंगे उसमें कुछ स्ट्रगल कर रहे होंगे, वो फिर उनमें कुछ कामयाब भी हो जाएंगे, 2-3-4-5% उसमें कामयाब भी हो जाएंगे. लेकिन वो 90% लोग हैं वो एकदम से ना वो सोचें कि वो 3 साल उन्होंने लॉस बर्दाश्त किया, उनका शुरू से लॉस होता आ रहा है, उनका वो ब्रेक इवन नहीं हो रहा है, उनके प्रॉफिट उनके एक्सपेंसेस और उनकी जो रेवेन्यू है वो बराबर नहीं हो रहे, उनके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, उनके खर्चे बहुत हैं. तो ऐसा बंदा उसको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आप हो सकता है आप 3 महीने बाद आप कहें यार मेरे तो खत्म हो गया, पैशन लेवल ही आपका खत्म हो जाएगा 3 महीने में, कहेंगे यार बस अजीब सा काम था, गंदा काम था, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया उफ फजूल काम था मैं नहीं करता.
बल्कि मैंने किसी की पोस्ट पढ़ी थोड़े दिन पहले, उस बंदे ने ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किया था, उसने कहा जी मैंने 6 महीने बंद कर दिया, बट आया कोई नहीं उसकी तरफ। तो आया इसलिए नहीं कि उसकी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी, ठीक है, उसका उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं थी, उसका बिजनेस प्लान नहीं था, उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया उसने इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं था, और देन ही वॉज इन पॉजिटिव क्योंकि उसने इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं था, उनको उसको इस चीज़ का पता ही नहीं था कि अगर आप आपके पास बेसिक प्लानिंग पीछे नहीं होगी, आपके पास पैशन नहीं होगा, आपके पास पॉजिटिविटी नहीं होगी, आपके पास प्लानिंग नहीं होगी, यू कैन नॉट डू द बिजनेस। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी लाइफ में झटके मिल रहे हैं आपको, जो बड़े बड़े झटके होते हैं ना एकदम से, आपको झटके मिल रहे हैं जिसकी वजह से अगर आप गिर गए तो गिर गए, और अगर आपने बर्दाश्त कर लिया उन झटकों को और आपको समझ आएगी कि यार कोई बात नहीं, ये तो होना ही था, इसका तो मुझे पता ही था कि इस तरह होना है, मेरा तो ये नुकसान थोड़ा सा होना ही था, ये मेरा खर्चे होने ही थे, तो वगैरह वगैरह, तो फिर आप पॉजिटिव रह के आप आगे जा सकते हैं, और ये सबसे बड़ी खूबी है एंटरप्रेन्योर की। नंबर 3, ही इज अ रियलिस्ट। रियलिस्ट का मतलब होता है कि वो एक ऐसा आदमी है जो कि ख्याली दुनिया में नहीं चलता, वो उसको वो बड़ा रियलिस्ट होता है, वो सोचता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। उसको अगर आज कोई कहे ना कि आज यार आज ऐसा करते हैं, गाड़ियों में इन्वेस्ट करते हैं, जापान से गाड़ियां मंगवाते हैं, कहीं और से मंगवाते हैं, गाड़ियां ला के बेचते हैं, वो ये काम नहीं करेगा। उसको पता है कि आजकल के हालात कैसे हैं, COVID-19 के अंदर जो जो बिजनेसेस हैं उनकी डिमांड गाड़ियां नहीं है, उनकी डिमांड कुछ और है, फूड है इस वक्त, मुझे फूड के काम में जाना चाहिए, मुझे मास्क लेके आने हैं, मुझे PPE लेके आनी है, मुझे लोगों की बिजनेसेस की हेल्प करनी है। अब एक बिजनेस खुलना चाह रहा है इस वक्त, हर बिजनेस चाह रहा है कि मैं खुलूं किसी तरीके से, मेरी मेरे लोग आके यहाँ पे काम करें, लेकिन वो बिजनेस कैसे काम कर सकते जब उसके पास SOPs ही नहीं इम्प्लीमेंट होंगी। अब आप क्या आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है, ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो उनकी SOPs के अंदर हेल्प कर सके, जो उन्हें कह सके हाँ जी बिल्कुल आप इस तरह करें कि ये ग्लव्स हमसे लें, ये PPE लें, ये सैनिटाइजिंग मशीन लें, आपके बंदों को बिल्कुल प्रोटेक्शन होगी, वो जो ग्लास होता है वाइजर से कहते हैं शायद, वो शील्ड होती है बेसिकली, उसको लगा के काम करें, ऐसे प्रोडक्ट लेके आए, तो वो एक रियलिस्ट आपका प्लान होगा। लेकिन अगर आप गाड़ियों में चले जाएंगे तो दैट इज नॉट बीइंग रियलिस्ट, सो यू हैव टू बी रियलिस्ट। नंबर 4, जो बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन उसकी एक और खूबी होती है कि वो बहुत अग्रेसिव होता है। Aggressive doesn't mean कि वो लोगों को मारेगा, लोगों के साथ लड़ेगा, अग्रेसिव मीन उसकी अप्रोच अग्रेसिव होती है। वो ये नहीं होता कि वो दुकान खोल ली है, सामान डाल दिया उसने इसके अंदर, या ऑनलाइन स्टोर खोल दिया है और अब वो बैठ गया ऐसे करके कि चलो जी इंशाल्लाह बंदे आएंगे। As I said, इंशाल्लाह कहना तो अच्छी बात है, दुआ करना भी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ उसने किया क्या, उसकी अब वो बैठ गया कि अब वो अग्रेसिवली अपनी मार्केटिंग पे काम कर रहा है, अपनी सेल्स पे काम कर रहा है, क्या उसके अंदर वो पैशन है, क्या वो यानी कि वो सारे दिन बैठ के वो सोचता है कि वो अपने वो एडवर्टीजमेंट के लिए सोच रहा है कि मुख्य तरीकों से कि हम लोगों से बात करें, हम बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप करें, हम लोगों को इन्वॉल्व करें, हम कैंपेन्स रन करें, किसी तरीके से हम अपने मार्केट अपने ब्रांड का नाम लेके आए सामने। तो ही हैज टू बी वेरी अग्रेसिव। अगर आप में अग्रेसिवनेस नहीं है ना, और आपको 9 to 5 वाली जॉब वाली आ जाता है, सुबह गए वापस आए बच्चों के साथ बैठ के वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप बिजनेस तो कर सकते हैं लेकिन आपके चांसेस कामयाबी के बहुत कम हो जाते हैं। सो यू हैव टू बी अग्रेसिव अपने बिजनेस को लेके, पैशनेट होना पड़ता है, आपकी आंखों में नजर आए कि यार बंदा इसके अंदर शौक है कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सामने ले गया है। और आप जब इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं ना, जब किसी इन्वेस्टर्स आपकी मीटिंग होती है, आप उसे कहते हैं जी मुझे ऐसा करें, मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करें, वो सबसे पहली चीज़ ये देखता है कि आप में पैशन कितना है अपने बिजनेस के लिए, आप कितने अग्रेसिवली काम करना चाह रहे हैं। और अगर उसको ये समझ आ देना कि प्रोडक्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके अंदर एग्रेशन नहीं है, आपके अंदर वो पैशन नहीं है, वो आपके से पैसे नहीं लगाएगा, उसे पता है यार ये बंदा मेरे पैसे डुबो देगा, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव एन अग्रेसिव पर्सनैलिटी। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कंपनी। कंपनी का मतलब ये नहीं कि कंपनी मीन्स लाइक पीपल जो आपके आसपास हैं, दोस्त आपके, जो आपके पास दोस्त हैं, वो किस किस्म के दोस्त हैं आपके, जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, उसके आसपास आप देखेंगे हमेशा जो कामयाब एंटरप्रेन्योर, वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, वो ऐसे लोगों के अंदर नहीं बैठते जो हमेशा नेगेटिविटी की बात करें, ओ यार अब बीमारी तो लेके बैठ गई है, COVID-19 बिल्कुल ऐसा है यार, ये इसे तबाह कर दिया पकड़ के, वो ऐसे लोगों के साथ बैठते ही नहीं है। वो ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो कहते हैं यार COVID-19 हो गया, इसमें अब हमने एग्जैक्टली करना क्या है, हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, हमारे प्रोडक्ट कौन से हम लेके आ सकते हैं, हम ऐसा क्या करें कि हम लोगों की हेल्प करें इन हालात के अंदर। हम उनको स्कूलिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं, हम उनकी
उनके फूड के अंदर हेल्प कर सकते हैं. अब देखिए अमेज़न ने बिलियंस में कमाया इस कोविड 19 के अंदर. क्यों? उन्होंने फूड, सब्जियां, धनिया तक उन्होंने घरों में डिलीवर कर दिया. उनका एक शुरू हो गया था प्रोग्राम अमेज़न के अंदर, अमेज़न ग्रोसरी है, अमेज़न इस तरह का. उन्होंने खास फीचर स्टार्ट किया था जिसमें कहा था कि सब्जियां लेनी है ना आपने, आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है, आप सुपर अपने फोन पे ऐसे करें, वो ऐसे लिटरली आपको ऐसे करना है, चीज को सेलेक्ट करें, ऐसे करें, पैसे आपके अकाउंट से निकल जाते हैं, चीज अगले दिन आपके घर आई थी. बिकॉज सेम डे सुबह सुबह करते हैं, शाम तक आपके घर चीज पहुंच जाती है. उन्होंने सब्जियां भी डिलीवर करवाई, उन्होंने धनिया करवाए, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ उन्होंने करवाया. दैट इज द अप्रोच कि वो सोच रहे हैं कि ऐसे हालात के अंदर भी मैं क्या चीज दूं, राइट? एंड दे आर बीइंग रियलिस्ट. वो ये नहीं कह रहे मुझसे गाड़ियां ले लो, वो ये नहीं कह रहे कि यार आप इस तरह करें कि कैमरे क्यों नहीं खरीदते हमसे, आप इस तरह करें लैपटॉप खरीद ले हमसे. वो कह रहे हैं भाई सब्जी खरीदो. ये बिजनेस की आपकी सोच होनी चाहिए कि मैंने किस फील्ड में जाना है, मैंने क्या करना है. एक बंदा आपसे कहता है कि जी ऐसा करते हैं मिलके पैसे जोड़ते हैं और B4U में काम करते हैं. यार एक और MLM कंपनी है. एक और बंदा कहता है जी आए हम लग्जरी ब्रांड में किसी में इन्वेस्ट करते हैं. आप नहीं करेंगे, आप देखेंगे हालात कैसे हैं. सो यू हैव टू हैव पीपल जो कि रियलिस्ट हैं, जिनके अंदर पैशन सेम एज योर्स है, जो पॉजिटिव है, जिनकी थिंकिंग बड़ी पॉजिटिव है, राइट? ओके, जो अगर आपको यहाँ तक बात की यानी कि समझ आ रही है तो आप कमेंट में लिखें कि यहाँ तक ठीक है, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं. Right, okay. राइट. सो दिस वॉज यू बेसिकली. ये आपके बारे में था. आप बिजनेस शुरू करने से पहले आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए. ये ध्यान में रखें कि आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं और अगर आपके अंदर ये नहीं, आप सोचते हैं आपके अंदर पैशन नहीं है, आपके अंदर एग्रेशन नहीं है, तो आपके लिए बिजनेस नहीं है, ठीक है ना? आप बिजनेस में ना जाएं. आप जॉब करते रहे, जॉब कर रहे हैं, पैसे पुसे आ रहे हैं, घर चल रहा है, घर का चल रहा है, अपनी लाइफ ना खराब ना करें, अपने पैसों को जाया ना करें. अगर आप में ये चीजें हैं तो आप सोच सकते हैं हाँ जी ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं तो लोगों से बात भी कर सकता हूँ, मैं अग्रेसिव भी हूँ, चीजों को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ. तो ये अब आ गया कि एग्जैक्टली बिजनेस करें कैसे. अब नेक्स्ट स्टेज है कि आपको समझ आ गई मैं बिजनेस कर सकता हूँ, अब क्या बिजनेस करें, कैसे बिजनेस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट बिजनेस शुड आई गो इनटू? आपके पास आपके पास अब क्या हो रहा है? आप फेसबुक के ऊपर अक्सर लोग आपको आइडिया देते हैं यार काम करें, आप एफिलिएट मार्केटिंग करें. मैंने खुद वीडियो बनाई एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर. आप एफिलिएट मार्केटिंग करें, आप इस तरह करें कि आप बिरयानी बेचें. वो हमारे एक और दोस्त हैं, वो भी वीडियो बनाते हैं, बिरयानी बेचते हैं, बिरयानी बेचें आप, ठीक है? आप ये करें, आप करें, इस तरह नहीं होता, ठीक है? अगर मैं आपसे कहता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग करें, ये एडवाइस आपको अच्छी तो लगेगी सुनने में, लेकिन आप कर नहीं सकेंगे. आपको ये देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कि मुझे क्या सूट करता है, और आपने अपने आप को सामने रख के आपने अपने बिजनेस को प्लान करना है. याद रखें कि बिजनेस की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस स्टेज के ऊपर आपको अगर सही नहीं गए तो अगला सारा काम खराब हो जाएगा. और बिजनेस को प्लान करते हुए आपने प्लान, हम कैसे प्लान करते हैं, थोड़ा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ. अगर आप कमेंट के अंदर लिखें कि हम कैसे प्लान करते हैं बिजनेस को, बताइए सबसे पहली चीज हम क्या सोचते हैं, कैसे प्लान करते हैं, थोड़ा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ. अगर आप कमेंट के अंदर लिखें कि हम कैसे प्लान करते हैं बिजनेस को, बताइए सबसे पहली चीज हम क्या सोचते हैं. सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हम सबसे पहले चीज सोचते हैं यार मैंने बेचना क्या, ठीक है, या किस चीज का कारोबार करें. मुझे अक्सर लोग सवाल करते हैं, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर हमें बताएं कि हम क्या बिजनेस करें. सर मुझे बताएं, आप मुझे बताएं भाई, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको कैसे बताऊं कि बिजनेस आपने क्या करना है. आई कैन नॉट टेल यू. ठीक है, मैं आपको नहीं बता सकता आपने बिजनेस को स्टार्ट करना. आपने ये फैसला आपने करना होता है, इसलिए किसी से पूछे भी ना, ये सवाल ही बड़ा गलत है. अगर आप किसी से पूछेंगे ना कि यार मैं मुझे बताओ क्या बिजनेस स्टार्ट करना, वो आपको गलत जवाब देगा. आपने खुद सोचना है इस चीज को. आज मैं आपको एक फॉर्मूला देने लगा हूं, आपने उस फॉर्मूले को फॉलो करना है. फॉलो दैट फॉर्मूला
और अपना डिसीजन खुद लें कि आपने बिजनेस कौन सा स्टार्ट करना है. ठीक है, अभी किसी ने कमेंट किया, निशान रफीक वेल डन, अपने इर्द गिर्द देखें. उसने कहा जी अपने इर्द गिर्द देखें कि आपने क्या करना है. सबसे पहली चीज जो आपने सोचनी है, आपने ये नहीं सोचना व्हाट होता है ना, क्या कि क्या प्रोडक्ट हो, ये नहीं सोचना. सबसे पहले आपने सोचना है हु, किसको बेचना है. अब किसको इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने सबसे पहले जो भी चीज बेचनी है वो बाद में सोच रहे हैं, सबसे पहले सोच रहे हैं मैंने किसको बेचना है. अब आप कहते हैं जी कि मेरे पास, मैं फॉर एग्जांपल मैंने जूतों का स्टोर, मेरी एक्सपर्टीज है, मेरे पास एक बंदा है वो मुझे कहता है जी मैं आपको जूते सप्लाई करता हूँ, आप आगे जूते सप्लाई करें. मैंने किसको बेच रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हु. तो मैं एक स्टोर देखता हूँ, अब एक स्टोर खोलना चाह रहा हूँ और वो स्टोर मैंने खोल दिया फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अनारकली में, अनारकली के अंदर मैंने एक स्टोर खोला. अनारकली जरा अच्छे तरह लिखते हैं, जरा समझ आ जाएगी अनारकली की. तो अनारकली, अब मैंने अनारकली में स्टोर खोला और मेरे पास जो शूज हैं वो लेदर शूज हैं, ब्रांडेड लेदर शूज. में मुझे किसी ने कहा हम आपको सप्लाई करेंगे, आपने इस शूज को मार्केट करना है और उसको बेचना है. जूते की प्राइस है 25,000 रुपया. अब हम बेच किसको रहे हैं, अब पहला क्वेश्चन था किसको बेच रहे हैं, वो लोग जो अनारकली में आए हुए हैं. आप मुझे बताएं कि ऐसा होगा कभी कि अनारकली के अंदर जो बंदा आए वो 25,000 का जूता लेगा वहां से? आपको वहां पे कोई इस तरह की शॉप नजर आती है? आपको बहुत कम नजर आएगी अनारकली में ऐसी शॉप जो 25,000 का, जहां पे 25,000 के जूते बेच, क्योंकि उनको पता है जो लोग वहां पे जूता लेने आ रहा है ना वो 25,000 का लेने नहीं आ रहा. जो अनारकली में सूट लेने जा रहा है वो कोई ब्रांडेड सूट लेने जा रहा है, वो उसकी जो उसकी बजट है, उसकी रेंज जो सी है वो डिफरेंट होगी. तो आपने पहला क्वेश्चन करना है कि जो भी मैंने बिजनेस करना है वो मैं किसके लिए करना चाह रहा हूँ, वो कौन है जिसके लिए मैंने बिजनेस करना है. ठीक है, वो लेडीज हैं, वो जेंट्स हैं, वो यंग है, वो ओल्ड है, वो रिच है, वो पुअर है, ये आपने चीजें लिखनी है. ठीक है, उसके बाद आपने कहना है अच्छा मेरे पास ये चीजें हो गई, तो अब ये बंदा, मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी कि वो लोग जो कि रिच हैं कहाँ रहते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी लाहौर में रहते हैं. अच्छा, पूरे लाहौर में रहते हैं कि लाहौर के किसी खास एरिया में, कि डिफेंस में करना है आपने, जी सिर्फ डिफेंस के अंदर स्टोर खोलना, डिफेंस में रहते हो. ठीक है, अच्छा जी रिच लोग हों, लाहौर में हों, अच्छा और क्या करते हो, और एज क्या हो उनकी, वो क्या प्रोडक्ट है, वो हम उससे कैसी एज को हमने अट्रैक्ट करना है जी, वो हम करना चाह रहे हैं 18 से लेकर 35 या 45 साल तक का बंदा. फॉर एग्जाम्पल जस्ट मिसाल के तौर पे आप एक इटालियन शूज लेके आ रहे हैं जो कि बड़ा शाइनी है, बड़ा ग्लिटरी है, उसका डिजाइन भी बड़ा जबरदस्त है, वो बड़ा प्यारा किस्म का सोल का शूज है. आपका वो जूता कोई 50 साल से प्लस का बंदा पहनेगा? बहुत कम. लेकिन वो शूज जो शाइनी ग्लिटरी उसकी सबकी, वो इटालियन उसका लेदर होगा, फाइन लेदर होगा, 25,000-35,000 रुपए का वो जूता होगा, कौन पहनेगा वो जूत? वो शूज पहनेगा वो बंदा जो कि यंग है, 25-35-30 की रेंज में जो लोग हैं जो कि अपने आप को जरा स्टैंड आउट करना चाहते हैं. जो बंदा 50 के ऊपर चला जाता है ना वो चीज़ देख चुका होता है, वो कहता है यार ठीक है मुझे बस ब्लैक लेदर का जूता दो, बट दैट्स फाइन, मुझे क्या लगे यार मैं तो 35,000 खर्च करूँ, मुझे वही चीज़ 10,000 की मिल रही है, वही चीज़ मुझे 5,000 की मिल रही है किसी और ब्रांड से, तो मैं क्यों 35,000 का इटालियन लेके जाऊँ? तो आपकी जो पहली चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि किसको मैंने ये चीज़ बेच रहा हूँ, ये पहले जिन में रखें. ठीक है जी, देन सेकेंड, ये आपका फर्स्ट स्टेप था. सेकेंड स्टेप व्हाई, भाई वो मुझसे क्यों बाय करे. ठीक है, अच्छा अब मिसाल के तौर पे अगर मैं एक अब छोटी मिसाल दे रहा हूँ ताकि लोगों को समझ आ जाए. एक बंदा कहता है जी मैंने बिरयानी का स्टॉल खोलना है. हमारे दोस्त है ना बिरयानी बनाते हैं, वो बिरयानी बेचते, वो सिखाते हैं लोगों को बिरयानी बेचे. ठीक है, तो वो बिरयानी वाले जो वो एक बंदे ने बिरयानी का स्टॉल लगाया, बिरयानी स्टॉल. अब ये इस बंदे ने स्टॉल लगाया, इसने कहा जी वो जो लोग है ना वहाँ पे एक खास एरिया में, फॉर एग्जांपल मॉल टाउन के अंदर. अब मैं क्योंकि लाहौर से हूँ मैं, और बड़ा मुझे कम याद है अब क्योंकि 15-20 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए. तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मॉल टाउन मॉल पे मैंने जनाब एक स्टॉल लगा लिया, एक आम बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है. ठीक है, मैंने स्टॉल लगा लिया वहाँ पे.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन लोग लेंगे वहां से? जाहिर है जो बिजनेसेस होंगे, जो स्टूडेंट्स वहां से किसी कॉलेज कुलेज से आ रहे हैं, या वहां पे दो तीन कॉलेजेस है वहां पे, ठीक है, वहां से जो लोग गुजरेंगे वो स्टॉल से बिरयानी खाएंगे, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई. अब मेरी बिरयानी क्यों खाएंगे? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी चार वहां पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, तीन रेस्टोरेंट्स हैं जो कि बिरयानी ऑलरेडी बेच रहे हैं, और वो वहां पे जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका माहौल स्टॉल से ज्यादा बेहतर है, वो आप बैठ के खा सकते हैं अंदर. तो अब मैं स्टॉल लगाऊं क्यों वहां पे, मुझसे क्यों खरीदेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो बिरयानी का आइडिया बड़ा जबरदस्त है कि हर प्लेट के ऊपर आपको 50 रुपए बचते हैं. फॉर एग्जाम्पल उस आपको जो जिस बंदे ने वीडियो बनाई उसने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई, उसने कहा यार ठीक है जबरदस्त है, देखो 50 रुपए बच गए आपको हर बिरयानी के ऊपर. लगाओ कैलकुलेशन, अगर तुमने 100 प्लेटें लगाई तुम्हारे इतने बन गए 5,000 बन गए, अगर तुमने 200 प्लेट निकाली तो तुम्हारे 10,000 बन गए. एक दिन का 10,000 कमाया, 30 दिन के कितने कमाए? आपने फौरन दिन में सोचा, आपने कहा 3,00,000 रुपया. आपकी आंखों में आ गई शाइन, अब आपकी आंखों में चमक आ गई, अब आपने कहा ओए होए ऐसा काम, 3,00,000 रुपया बिरयानी के अंदर से आएगा. लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मुझसे क्यों कोई लेगा, भाई वहां पे ऑलरेडी 3 बंदे बैठ के 3,00,000 रुपया कमा रहे हैं, तो मुझसे कौन क्यों लेगा? तो वाई, तो फिर उसकी रीजन होनी चाहिए. ये रीजन आपने लिखनी है यहाँ पे, वाई मेरी बिरयानी में क्या खास बात होगी. करें ना, पहला करें उसको, फिर आपने अब ये आपका काम है, आप अपने बिजनेस को कामयाब बनाना है, आपने वो 3,00,000 लेना है. वो जिस बंदे ने आपको मशवरा दिया फाइन किया, उसने अच्छा किया. अब आपने आगे सोचना है कि मैंने ये 3,00,000 रुपया मैंने ये बिरयानी किस तरह बेचनी है, उनकी बिरयानी में क्या चीज नहीं है, ठीक है, ये जिम में रखना है आपने. वाय तीसरी चीज आती होती है वॉट. तो असल में जब हम ये बिरयानी का डिसीजन लेते हैं ना, पहले देखें हम पहले ये प्रोडक्ट के ऊपर बात में पहुंचते हैं. हो सकता है हम वाय पे बात करें कि यार ये तो बिकना ही नहीं है भाई, क्यों? ऑलरेडी 3 स्टॉल हैं, 4 रेस्टोरेंट्स हैं, लोग खा रहे हैं, हमारी चीज वहाँ पे गए, हम लोग बैठे देख रहे होंगे, उनके लोग पसंद करते हैं, जायका भी अच्छा है, नाम भी उनका मशहूर हो गया, तो हमसे तो कुछ नहीं लेनी, ठीक है. तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर, तो अगर आप इसमें हैप्पी हैं, लोग कौन से हैं, ये लोग हैं आपके पास, वाई रीजन क्या है? मेरा प्रोडक्ट, मेरी बिरयानी सबसे बेहतर है, मेरी बिरयानी में वो मेरी बिरयानी जो है ना उसमें खास फ्लेवर है, ठीक है. मैं बिरयानी के सारे खास सॉस दूंगा, मैं बिरयानी के साथ मैं ब्रांडिंग, मेरी प्राइसिंग भी कंपेटिटिव हो सकती है, लेकिन प्राइसिंग पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, प्राइसिंग कम करनी नहीं चाहिए क्योंकि आपका मार्जिन खत्म हो जाता है. आपके अंदर को खास प्रोडक्ट के अंदर को खास चीज़ होनी चाहिए, जान होनी चाहिए, ठीक है. क्यों मेरे लेदर के शूज लेंगे लोग, क्यों लेंगे? अब आपने सोचा, आपने कहा इन लोगों को दूंगा, मेरे ये लोग इसलिए लेंगे कि पूरे डिफेंस के अंदर इटालियन लेदर की कोई शॉप है ही नहीं है, शूज की है ही नहीं शॉप, तो डिफेंस पे तो मेरा स्टोर चल गया ना भाई. तो बात सही है, जब आपके कंपटीशन कोई नहीं है, आपके पास है कोई नहीं, तो आपसे लोग लेंगे, और लोग क्योंकि वहाँ पे लोग कॉन्शियस हैं, ठीक है, ब्रांड कॉन्शियस हैं, दे वांट टू हैव बेटर स्टफ, दे वांट टू हैव लाइक दिस, वो लेंगे. तो रीजंस आपके पास हैं, तो आप उसको प्रोडक्ट फाइनलाइज करेंगे, हाँ जी मैं अब ये जूतों का काम करूंगा, ठीक है, शूज का काम करूंगा, या मैं बिरयानी का काम करूंगा, दोनों साइड लेके साथ चल रहे हैं, छोटा प्रोडक्ट बड़ा प्रोडक्ट का, ठीक है. तो जब आपके पास हु, कौन लोग लेंगे, वाई, जब आपकी ये रीजन है कि मेरे पास रीजन है भाई, मेरे पास रीजन है, मुझसे ले लो, एंड उसके बाद आ गया व्हाट, तीसरा प्रोडक्ट. जब आपको ये तीन चीज होगी, चीज चौथी चीज आपने फिर उसके अंदर डालनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ. हाउ अब ये समझ आ गई मुझे, ये अभी प्लानिंग है, अपनी शॉप डाली नहीं है, आपने देर में सोचा कौन लोग होंगे, क्यों लेंगे मुझसे, अच्छा ये रीजन है, ओके प्रोडक्ट मेरा अब ये होगा, ये मैंने फाइनल कर लिया, मेरा प्रोडक्ट ये है. अब उसके बाद सबसे बड़ी चीज सोचनी है हाउ, कि कैसे मैंने उनको बताना है, मैंने उनको कैसे लेके जाना है इसके ऊपर कि भाई ये आप मुझसे बाय करो. तो उसके अंदर आपकी स्ट्रेटजी, सेल स्ट्रेटजी क्या है, आपने एड्स यूज करने हैं, आपने बिलबोर्ड्स लगाने हैं. हमने अपनी अपनी कंपनी के लिए यहाँ पे एक बिलबोर्ड लगाया था आज से कोई 6 महीने पहले, और उसकी मुझे कॉस्ट आई थी £5,000 पाकिस्तानी 10,000 रुपया, सिर्फ 3 महीने के लिए, 3 महीने की कॉस्ट हमने पे की थी उस बिलबोर्ड को लगाने के लिए. और 2 बिलबोर्ड लगाए थे हमने, एक बड़ा लगाया था, एक छोटा लगाया था, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर. तो आपकी फिर कॉस्ट होती है, आप कॉस्ट देखते हैं कि भाई मैं फेसबुक ऐड करूंगा, मैं टेलीविजन के ऊपर ऐड करूंगा, मैं जो भी आप करेंगे, ठीक है, आपने अपने हाउ पे जाना है, फिर आप ये फाइनेंस करेंगे. तो बात समझ आ गई, पहले घर बैठ के सोचें कौन लोग होंगे जो मुझसे बाय करेंगे. आपको ये नहीं पता कौन लोग होंगे तो आप कैसे बेच सकते हैं. उसके बाद आप सोचें कि मुझसे लेंगे क्यों भाई, अच्छा ये यंग लड़के को मैं बेचने जा रहा हूँ, मुझसे क्यों लेगा? अच्छा जी रीजन है मेरे पास, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, सस्ता है, बेहतर है, मार्केट में नया डिजाइन है, जो भी आपकी प्रोडक्ट की खूबी है. क्योंकि अगर आप सेम चीज लेके आ रहे हैं ना और आपके पास इसका जवाब नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कहते हैं बिरयानी लेके आ रहा हूँ, कह रहे बिरयानी में क्यों, वाई, रीजन क्या है? रीजन तो कोई नहीं है जी, बिरयानी बिरयानी है. तो फिर भाई आप थोड़ा सा मुश्किल में है, क्योंकि जो लोग वहाँ बेच रहे हैं उनकी बिरयानी अच्छी भी है,
उनके पास मार्केट भी है, लोग जानते भी हैं, ब्रांड भी इस्टेब्लिश हो गया हुआ है, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. तो हमेशा सोचें वाई देन प्रोडक्ट. ठीक हो गया, अब मुझे समझ आ गई ये चीज है, प्रोडक्ट एंड देन हाउ, अब मैंने इसको आगे कैसे लेके जाना है. यहां तक अगर आपको समझ आ गई है, अगर आपको यहां तक समझ आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं. आप मुझे कमेंट में लिखें अगर इफ यू अंडरस्टैंड द होल आइडिया. राइट ओके अब आप इस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आप बेसिकली चाह रहे हैं कि मार्केट को जो है ना, अब मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूँ, मेरे पास प्रोडक्ट फाइनल हो गया, फाइन दैट्स फाइन. अब आपको यहाँ पे जाके करना क्या होता है, देखें ये थोड़ी सी मैं स्किल से टच पॉइंट कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है. आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, या आप अपने आपको सोल प्रोप्राइटर के तौर पर, सोल प्रोप्राइटर के तौर पे अपने आपको रजिस्टर करते हैं, विच मीन्स के आपको थोड़ा बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं, 10-15-20-25 हज़ार रुपये जितना भी खर्च होता है. मेरे ख्याल से सोल प्रोप्राइटर के लिए कम है, कंपनी के लिए ज्यादा है. और आपको उसके पैसे लगाने के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह. इस चीज के अंदर हमारी टीम है पाकिस्तान के अंदर, अक्सर लोग बहुत सारा चार्ज करते हैं, मुझे बताया उन्होंने, तो मैंने अपनी टीम से बात की, मैंने कहा अगर हम हेल्प कर सके लोगों की, उनकी कॉस्ट सेव कर सकें तो क्या हम कर सकते हैं. तो अगर आपने कभी कंपनी रजिस्टर करवाने का अगर आप सोच रहे हैं और अपने आपको सोल प्रोप्राइटर करवाने का सोच रहे हैं, एनटीएन नंबर वगैरह करवाने की, बहुत सारी बेसिक चीजें जिनको आप शायद खुद भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप करने का सोच रहे हैं और आपको हेल्प चाहिए और यू वांट टू हैव इट एट अ बेटर कॉस्ट, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनबॉक्स में लिख दीजिएगा, तो टीम हमारी जो हमारे लॉयर्स हैं वो उसको पिक कर लेंगे और फिर उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे. अगर आपको सस्ता लगे तब हमारे से उनसे काम करवाइएगा, अदरवाइज ना करवाइएगा. लेकिन ये वी कैन डू दिस सर्विस फॉर यू, हम आपके पैसे इसमें बचा सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, इसके बाद आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने यहाँ तक फैसला कर लिया है, राइट. अब आपने प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग के अंदर हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, ठीक है जी. अब नेक्स्ट चीज हम सोच रहे हैं कि यार अब बिजनेस को लॉन्च तो करना है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट को भी समझ लें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है मार्केट के अंदर. तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है मार्केट को समझने की, वो होती है आपका आपका कंपटीशन, कि आपके वहां पे एग्जैक्टली मार्केट में कंपटीशन कितना है. अगर आपका कंपटीशन ज्यादा होगा तो आपको मार्जिन कम बचेंगे. उसकी रीजन ये होगी, मतलब आपके साथ, आपने भी कपड़ों की दुकान खोली, आपके साथ भी एक बुटीक है, तीसरी भी बुटीक है, चौथी भी बुटीक है, तो वो कंपटीशन सारा हो जाएगा. अब हर बंदा कोशिश करेगा, आपने अपना सूट लगाया 3,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, साथ वाली वो सेल लगा देंगी, ठीक है. जब सेल लग गई तो उनका जो सब बिक रहा है 1500 का 1800 का 2000 का, तो उन दिनों में आपकी सेल खत्म होगी, ठीक है. अब आपको नुकसान होना शुरू हो गया, तो आपने देखना कि मेरे कंपटीशन, मेरा कंपटीशन कितना है, कितना मेरा, यानी कि मेरे आसपास कंपटीशन, जहां पे शॉप खोलने लगा हूं या मैं जिस प्रोडक्ट में जा रहा हूं ऑलरेडी वो लोग कर रहे हैं. मतलब बिरयानी की मिसाल मैंने आपको दी, बिरयानी वाले ने, बिरयानी जिसने स्टॉल खोला, जिसने वहां पे स्टॉल लगाया, उसके उसने कंपटीशन नहीं देखा, उसने स्टॉल लगा लिया, उसके एकदम से पता लगा यार यहाँ पे 4 बंदे ऑलरेडी बैठे हुए यही काम कर रहे थे, उसका मार्जिन किधर गया, उसका मार्जिन खत्म हो गया. क्योंकि अब अगर उसके प्लेट उसको 25 बचता था, अब उसको 10 बचेगा, क्योंकि उसके प्राइस नीचे लेके आनी पड़ेगी. तो कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज उसमें होती है कि आपका एक्चुअल कंपेटिटर्स कितने हैं, एक्चुअल कंपेटिटर्स, जो रियल कंपेटिटर्स हैं, जो कि सेम बिजनेस में काम कर रहे हैं, सेम चीज बेच रहे हैं. आपने कहा जी मैंने जूतों का काम करना है, उनकी भी जूतों की स्टॉक वहाँ पे शॉप है. अगर आप अनारकली जाए तो वहाँ पे जूतों की शॉप्स हैं ना बहुत सारी, तो वो आपका डायरेक्ट कंपटीशन में आ जाएगा. तो अगर आपके पास डायरेक्ट कंपटीशन है ना, फिर आपके मार्जिन थोड़े से कम हो सकते हैं, और आपके लिए चीज को बेचना भी मुश्किल है. उसकी रीजन है क्योंकि आप जो साथ वाला है, वो जाहिर है उसकी प्राइसिंग भी डिपेंड करती है, उसकी उसकी मार्केटिंग भी है, उसकी प्रोडक्ट भी अच्छी हो सकती है, तो आपको उसे अच्छी प्रोडक्ट लेके आनी है और उससे सस्ते में बेचनी है, तो कॉस्ट वहां से बढ़ेगी और यहाँ से मार्जिन कम होगा आपके अपने. तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि आपका एक्चुअल कंपटीशन कितना है. आप जिस काम में जाना चाह रहे हैं, क्या वहाँ पे कंपटीशन है कि नहीं है? अगर तो कंपटीशन नहीं है, ओपन मार्केट है, फिर तो शुरू हो जाए ना, फिर तो सोचे ही ना. लेकिन अगर कंपटीशन
कंपटीशन है, एक्चुअल वहां पे लोग बैठे वही काम कर रहे हैं और सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। इस पर आपको आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, और फिर आपने सोचना है कि मैंने अग्रेसिवली इनको कैसे बीट करना है। अब मैं इस सेम जो सा है प्रोडक्ट को अगर मैं लेके आऊंगा मार्केट के अंदर, तो मैंने अग्रेसिवली मैं कैसे उनको बीट करूं और मेरी चीज को सामने आया। फिर उसमें आपको पैसे लगाने पड़ते हैं अपनी मार्केटिंग के अंदर, अपने सेल्स के अंदर, अपनी बहुत सारी चीजों के अंदर, राइट? ओके, सो दीज आर योर एक्चुअल सेम प्रोडक्ट के अंदर। दूसरे होते हैं आपके आपके ऐसे कंपेटिटर्स होते हैं जो आपको सब्स्टिट्यूट होते हैं आपके, मसलन वो बिरयानी की स्टॉल नहीं होगा साथ में, आपका बिरयानी का स्टॉल होगा, उसका दही बल्लों का स्टॉल होगा, आपको बिरयानी का स्टॉल होगा उसके उस वो पाय निहारी वगैरह बेच रहा होगा साथ में, आपकी कपड़ों की शॉप होगी, उसकी कुर्तों की शॉप होगी, लेडीज अगर लेडीज की बात करें, आपके सूट की शॉप होगी तो उसके कपड़े उसके उसके वो होगी। तो उसमें भी देखते होते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट है उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, अगर कोई और उससे बेहतर चीज है जो कि सेम तो नहीं है लेकिन वैसी है जो आपकी जो क्लाइंट की सेम नीड को पूरा कर देती है, मुझे भूख लगी है मैंने खाना है, मैं वहां जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार बिरयानी क्या खानी, पाए खाते हैं बिरयानी क्या खानी, मैं तो निहारी खाऊंगा, ठीक है, या मैं कोई और चीज खाऊंगा। तो जब मैं ये सोच लिया तो मेरा मतलब है कि मैंने उस बंदे को बिजनेस नहीं दिया, मैंने बिजनेस किसी और को दिया। तो आप ये भी देखते हैं कि यार जिस मैं मार्केट में जा रहा हूँ उधर कोई और सब्स्टिट्यूट तो नहीं है इसका, ठीक है, वहां पे कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मेरी चीज की वैल्यू कम कर देगी, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मेरी चीज की डिमांड ही खत्म कर देगी। ये आपने ध्यान में रखना है कि अपने मार्केटिंग एनालिसिस करते हुए कि वो कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू जो उसकी डिमांड है उसको खत्म कर देंगे, ये आपने दूसरी चीज पे काम करना है। नंबर थ्री, दैट्स योर इनविजिबल कंपटीशन। इसको मैं इनविजिबल इसलिए कहता होता हूँ कि आपको पता नहीं होता क्या होने वाला है। आपने एक जगह पे आपने एक रेस्टोरेंट है बेसिकली, आपने उसके साथ ही जाकर स्टॉल लगा लिया, रेस्टोरेंट के अंदर बिरयानी नहीं बिकती थी लेकिन आपने बिरयानी बेचनी शुरू की। अब रेस्टोरेंट वाले ने अंदर बैठे हुए देखा कि यार ये क्या हो रहा है बाहर, ये बंदा तो बाहर बैठे इतना कमा रहा है, मैं इतना बड़ा स्टोर यहाँ पे बनाया हुआ रेस्टोरेंट बनाया हुआ और मैं यहाँ पे चने बेच रहा हूँ या कुछ और बेच रहा हूँ या मुख्तलिफ जो देसी प्रोडक्ट्स हैं जो खाने हैं लेकिन मैं बिरयानी नहीं बेच रहा, तो इसका मतलब ये है कि बिरयानी की वैल्यू ज़्यादा है, बिरयानी तो मुझे बेचनी चाहिए ना फिर, तो दैट इज इनविजिबल कंपटीशन। अब उसके जहन में आ गया, अब वो क्या करेगा, वो एक बड़ी सी ऑफर लगाएगा कि बिरयानी हम बेचना शुरू कर दी है, आए हमारे पास से खाएं, 200 की प्लेट है उसकी छोड़ें हमसे 70 में खाएं, प्रमोशनल ऑफर आ गई है, अब आपको बिरयानी मिलना शुरू हो जाएगी 70 रुपए की। तो कहने का मतलब यह कि एकदम से वो कंपटीशन निकल आया, इनविजिबल कंपटीशन निकल आया, ठीक है, वो ऐसा बंदा है जो कि आपकी मार्केट खा जाएगा एकदम से, वो आपके ओवरकम कर लेगा आपको आके, ठीक है, तो न्यू एंट्रेंट हो जाएगा वो, न्यू एंट्रेंट। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा बंदा हो, तो ध्यान में रखें कि जब आप काम करने लगे हैं तो आपके आसपास आप जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा ये इनविजिबल कंपटीशन है, ये किसी को कभी मुझे टेक ओवर कर सकता है, मुझे खा सकता है मेरे बिजनेस को। और अक्सर लोग जब पैसे लगा देते हैं और एकदम से दूसरा बंदा आता है ना ऊपर से, तो वो एकदम से नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसा बड़ा सेफ आपके एनवायरमेंट होना चाहिए कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, लोकेशन क्या है, उसके अंदर कंपटीशन कितना है, वहाँ पे सेम बिजनेस कितने हैं, अगर कोई नहीं है तो आपके आपको आप अच्छे प्राइस पे बेच सकेंगे, अगर ज़्यादा है तो उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है, वो कितने में बेच रहे हैं, हम कितने में बेचेंगे, वो कैसे मार्केट कर रहे हैं, लोगों को कैसे लेके आ रहे हैं, हम कैसे मार्केट करेंगे, ये अपने जहन में थोड़ा सा सोचना होता है। अगर आपको ये नहीं पता होगा, अगर आप इसको आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं ना होगी कि मेरे साथ वाला बंदा क्या कर रहा है, तो फिर आपको वही बंदा मारेगा, फिर आपको वो बिजनेस आपको बहुत ज़बरदस्त फेंटा लगाएगा, क्योंकि आप अभी सोच ही रहे होगे वो अपना सामान निकाल देगा। वो किसी ने अभी कमेंट किया है शेख इमरान ने, आई थिंक इट्स द बेस्ट सेल्स ट्रेनिंग ऑफ बिरयानी सी, तो बिरयानी आइडिया तो आपने आपके पास है, आप सीख भी लें कैसे बेचनी है। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज योर कंपेटिटिव एज। अब आपको समझ आ गई है कि यार बिरयानी तो वहां पे जो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, या यहाँ पे कपड़ों के बहुत सारे बुटीक्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सॉफ्टवेयर में अगर आप काम कर रहे हैं, लेट्स मूव ऑन टू सॉफ्टवेयर, या थोड़ा सा पोश कर लें चीजों को, सॉफ्टवेयर है, लेदर गुड्स हैं, कुछ और है आपके पास, आपके जहन में है कि यार अच्छा मैंने ये प्रोडक्ट बेचना है और ये कंपटीशन भी है, आपके जहन में सारा पिक्चर है, तो अब मेरा कंपेटिटिव एज क्या है, ये जहन में रखिए कंपेटिटिव एज क्या होता है, इसको हम लाजमी सोचते होते हैं कि
competitive एज. व्हाट इज कंपेटिटिव एज? कंपेटिटिव एज ये है कि मेरा पल्ला भारी होना चाहिए मेरे कंपटीशन के ऊपर. वो क्या चीज हो सकती है? वो ऐसी क्या चीज होगी जो कि एक कस्टमर को कहेगी मुझसे बाय करो, उससे ना बाय करो. ठीक है, अब ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. ये आपकी आपकी लोकेशन हो सकती है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी हो सकती है, आपका डिजाइन हो सकता है, आपका या आपको डिजाइन हो सकता है, और इसमें आपकी आपकी ब्रांडिंग हो सकती है. आपको ब्रांड, अगर ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है जी, आपकी आपकी कस्टमर सर्विसेज हो सकती है. आपको अच्छा लगता है जी एक शॉप से लेना, ठीक है, लोग अच्छे तरीके से बात करते हैं, लोगों का दिल करता है यार मैं यहीं से जाके बाय करूं. तो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको. क्यों? क्योंकि देखें, आपको मैं लोकेशन की बात समझा दूं. अगर मैंने पिज्जा खाना है, मुझे भूख लगी है, तो मैं 10 मिनट की ड्राइव करके जाऊंगा कि जो घर के पास होगा उसके पास जाऊंगा. मैं उसके पास जाऊंगा जो घर के पास होगा, क्योंकि मुझे भूख लगी है, मेरे पास गेस्ट आए हैं, मुझे पिज्जा चाहिए 5 मिनट के अंदर. मैं कहूंगा यार छोड़ो उसको, इससे लो. तो कंपेटिटिव एज उस पिज्जा वाले को ज्यादा होगा जो लोगों के अंदर होगा, जो थोड़ा सा दूर होगा उसको ज्यादा काम होगा, उसे लोग काम खाएंगे. ये कॉमन सेंस की बात है. लेकिन अगर मैंने कपड़े लेने हैं, तो मुझे कपड़े लेने के लिए, मुझे एक साथ में शॉप है एक दूर शॉप है, तो मुझे कपड़े लेने के लिए मेरे जो लोकेशन है वो कंपेटिटिव एज में आएगी? नहीं आएगी. उसका रीजन ये है कि जहां से मुझे अपनी फिट मिल रही है, जहां से मुझे अपना डिजाइन मिल रहा है, जहां से मुझे अपनी एक वो मिल रही है, मैं 10 मिनट ड्राइव करके वहां चला जाऊंगा. तो उस इन दैट केस उसमें जो कंपेटिटिव एज है वो उसका डिजाइन है, उसका कट है, उसकी उसका मटीरियल है, ये सारी चीजें हैं. तो दैट इज कंपेटिटिव एज. आपको पता होना चाहिए आपका बिजनेस क्यों चलेगा. लोगों के अंदर होने की वजह से, लोकेशन की वजह से, आपकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अच्छी है इस वजह से. हो सकता है ना, मतलब आप टायर बेचते हैं, आपके टायर की वैल्यू आप उसके गारंटी देते हैं उसके ऊपर, क्या आपकी वारंटी है जी 1 ईयर की. दूसरा वाला साथ में कहता है जी मैं दे तो रहा हूँ आपको, 3 महीने में खराब हो गया, ठीक है, 1 महीने में खराब हो गया, वापस लेना दे दो. नहीं, 1 महीने में टायर का भी खराब नहीं होता, आपने साल की दे दी. तो कौन अब कंपेटिटिव एज किसके पास है? आपके पास. आप बोर्ड लगाएंगे बड़ा सा, आप कहेंगे जी 10, मैं आपको 2 साल की गारंटी देता हूँ. मुझसे फर्नीचर लें, हमने फर्नीचर लिया रिसेंटली, हमने जो फर्नीचर लिया उसके ऊपर हमें 25 साल की गारंटी दी. एक और साथ वाले वो ब्रांड था उसके पास गया, उन्होंने हमें 10 साल की गारंटी दी. अब 10 साल हो या 25 साल हो, लकड़ी ने खराब नहीं होना, जिसने 10 साल चलना वो 25 साल भी चल जाता है. लेकिन जिसने 25 साल की गारंटी दी उसने हमें चार्ज भी ज्यादा किया, हमने उसे लिया भी क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन थी कि यार 25 साल तो ये चीज कहीं जाएगी नहीं. ठीक है जी, तो आपकी जो कंपेटिटिव एज है आप क्या है, आपने वो फिर लोगों को बताना होता है. चीजें में रखें कंपेटिटिव एज, आप बताते हैं लोगों को हम बेहतर हैं, हमारी प्राइसिंग अच्छी है, हमारी कस्टमर सर्विसेज अच्छी है, हम 24 घंटे आपको सर्विस देते हैं, आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है मैं आके सही करके दूंगा, हम ऐसे में कहने का. ठीक है जी, तो कस्टमर सर्विसेज, आपकी ब्रांडिंग, आपकी क्वालिटी, आपका डिजाइन, आपकी लोकेशन, यू शुड नो ऑल दिस, राइट? I'm just gonna text Felix. Right, okay. Okay. So, आपको अपना कंपेटिटिव एज समझ आ गई है. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस, अब हम नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं. ठीक है जी, मुझे समझ आ गई मैंने बिजनेस क्या करना है, किन लोगों को बेचना है, उनकी 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 वाई, उनकी उनकी नीड्स क्या है, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं, फाइन हो गया. अब मेरा कंपटीशन क्या कर रहा है? अच्छा जी, कंपटीशन तो मेरा ये काम कर रहा है, वो तो घर में डिलीवरी नहीं करते, हम करेंगे डिलीवरी. अच्छा, वो ये नहीं करते, हम ये करेंगे. अच्छा, वो सूट खुले कपड़े का काम करते हैं, हम साथ में उनकी स्टिच भी करवा के देंगे, यानी कि हम टेलर मेड आपकी स्टिचिंग भी होगी हमारी, वगैरह वगैरह. तो आप अपना कंपेटिटिव एज साथ में लेके चलते हैं. आप कहते हैं जी ये वजह, तो ये इसकी रीजन ये होगी कि हम आपको इस तरीके से बेचेंगे. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप है, पैसे कहाँ से आए? आई नीड मनी. बिजनेस चलाने के लिए पैसे चाहिए ना जी, तो पैसे कहाँ से लेके आऊँ? तो पैसे लेने के मुख्तलिफ तरीके हैं, आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ. ये देखें, ये होता है ना बिजनेस, ये आपका बिजनेस है. इसमें दो तरह से पैसे आते हैं. एक आपका जो ऑनर होता है ना, ऑनर वो पैसे डालता है इसमें, वो पैसे इसमें डाल रहा होता है. एक आपके होता है आपका जो क्या कहते हैं कस्टमर होता है,
वो आपको जब आप चीज लेते हैं आपसे तो बिजनेस पैसे आना शुरू हो जाते हैं, कस्टमर में पैसे आना शुरू होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे आप पैसे लेते हैं, ठीक है। तो कस्टमर जब जब आप बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं ना, तो यार आप ऐसे तो नहीं एकदम से कहेंगे मैं बैंक के पास जा रहा हूँ बैंक में पैसे दे, आपके पास बिजनेस प्लान होता है, बैंक आपसे कहता है बिजनेस प्लान दे वगैरह वगैरह। लेकिन आपको अपने और एकदम से पैसे आपको कोई नहीं देगा, जाहिर है। इसको थोड़ा सा समझ लें कि इसको रेवेन्यू कहते हैं, आप अकाउंटिंग के टर्म के लिए इसको रेवेन्यू कहते हैं, इसे कैपिटल कहते हैं। जो पैसे ऑनर भेज देता है ना उसे कैपिटल कहते हैं, जो यहाँ से आता है वो रेवेन्यू आता है। अब आपने आपके पास है 10 लाख रुपया, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 20 लाख रुपए से, आप क्या करेंगे आप? और आपको पता है कि मैंने सारी ये बिजनेस प्लानिंग कर ली है, मुझे समझ आ गया मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे समझ आ गया मेरा कंपटीशन क्या है, मेरा प्रोडक्ट क्या है, आई एम 100% श्योर कर जा सकते हैं। अब आप ये सारी अपनी अपनी ये जो से आपने ये प्लानिंग की है, इस प्लानिंग को लेके आप जाएंगे इन्वेस्टर के पास, ठीक है। तो आपको इन्वेस्टर से आप जाके मिलते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। आप उनसे उनके पास जाएंगे, आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक से पैसा लेंगे, बैंक को अपना बिजनेस मॉडल बताएंगे, ये हमारा मॉडल है, ये हम इस मार्केट में काम करेंगे, मार्केट में कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, जीरो कंपटीशन है, और उसके बाद हमारी ये जो सर हमारी कंपेटिटिव एज हमारा ये है, हम लोग मार्केट के अंदर छा जाएंगे वगैरह वगैरह। और उनका आइडिया अच्छा भी लगेगा अगर आप उनको ये फिगर्स देंगे, अपनी अपनी रिसर्च बताएंगे, तो उनको अच्छा लगेगा कि यार ये ऐसा बंदा आया जिसमें पैशन भी है, जो कि रियलिस्ट भी है। रियलिस्ट है ना, आप देखें पहली चीज हमने डिस्कस की थी कि क्या आप रियलिस्ट हैं कि नहीं है, तो आप रियलिस्ट भी हैं। राइट, सो आप बैंक से लेंगे, अपनी फैमिली से लेंगे, आप अपनी फैमिली से बाय करेंगे, ठीक है। फैमिली से पैसे देने की कोशिश करेंगे, अपने पेरेंट्स से कहेंगे या अपने अपने रिश्तेदारों से कहेंगे, ठीक है, या अपने पार्टनर्स का आप पार्टनर लाएंगे। तो मुख्तलिफ तरीकों से आप पैसे वगैरह इकट्ठे करते हैं, ठीक है। लेकिन पैसे किसी इन्वेस्टर से लेने के लिए, किसी बैंक से लेने के लिए आपको जो मैंने पीछे प्लानिंग बताई है, जो आपने पीछे स्टेप्स बताए हैं, वो आपने लेके चलना है, अदरवाइज आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। अभी किसी ने मुझे कहा है कि आप मुझे ना हमें वो बताएं कि पैसे बगैर पैसों के काम कैसे शुरू करना है, ये तो मैं आपको बताऊंगा, ये तो मैंने आपको बताना है, लेकिन आप फिर भी फेल हो जाओगे। काम शुरू करना मसला नहीं है, मसला ये है कि क्या आप उस काम को चला सक रहे हो। क्या आपको पता है कि बगैर पैसों के काम शुरू किया लेकिन गलत जगह पर शुरू किया, बगैर पैसों को शुरू किया, कंपटीशन का पता नहीं था, आपका टाइम लग गया, पैसे लगने हैं आपके, ठीक है, टाइम भी मनी है, तो वो पैसे आपके जाया हो जाएंगे, ठीक है। राइट, थोड़ी सी मैं आपको बेसिक्स जल्दी जल्दी बता दूं कि अब आपने सोच लिया पैसे पूछे आपके पास हैं, आपने सोचा कि हाँ जी आई कैन गो लाइव, अब मैं बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ, मार्केट में लेके आने लगा, मैंने कपड़ों की शॉप डालनी है और मैंने कपड़ों के कपड़े बेचने हैं, मैंने अपने अपने क्या कहते हैं व्हाई एम नॉट थिंकिंग ऑफ एनी अदर प्रोडक्ट्स, कुछ और, मैं लैपटॉप्स बेचने हैं, मैंने कैमरा जो है वो बेचने हैं, मैंने लाइट्स बेचनी है, मैंने गाड़ियों के टायर बेचने हैं। अच्छे बिजनेस आ रहे हैं, कोई भी बिजनेस अच्छा होता है। तो आपने सोच लिया कि मैंने ये काम करना है, तो सबसे पहली चीज आपको आपने अपने जो प्लानिंग के अंदर लेके आएंगे वो होगी आपकी बिजनेस का नाम, नेम। याद रखें नाम बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, खींचे, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएं, नाम ऐसा होना चाहिए अगले उसके अंदर पावर नजर आनी चाहिए, उसमें प्रोडक्ट की झलक नजर आनी चाहिए, ठीक है। और आप याद रखें कि हर चीज की एक फील होती है, बस अगर मैं कपड़ों का काम करता हूँ तो मेरा जो उसके अंदर स्टाइल, उसके अंदर एक मतलब हमारी एक ट्रेनिंग हमने लास्ट टाइम की थी सेल्स की, उसमें हमारे पास एक लड़की आई थी, उनके ब्रांड का नाम है स्टाइलीजिया, मुझे बड़ा नाम अच्छा लगा स्टाइलीजिया, स्टाइल से रेलेवेंट है। आपके अगर आप टायरों में काम कर रहे हैं तो यानी कि वो बुल टायर्स इस तरह का, कि ऐसा नाम कि इसमें स्ट्रेंथ नजर आए, ठीक है। तो जो ब्रांड होता है, ब्रांडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें ये नाम सबसे पहले होता है, क्या नाम क्या रखा, प्लस फिर उसके दूसरी चीज है लोगो, लोगो बड़ा जबरदस्त किस्म का होना चाहिए, आपका लोगो आपके ऐसा होना चाहिए जो कि मेमोरेबल हो, आपके अगले बंदे के जेहन में रह जाए, क्योंकि जब आप उसको लोगो हो जाता है ना तो उनके जेहन में रहता है, जैसे नाइकी का लोगो है, टिक है, या एडिडास है तो एडिडास की ये लोगो है, इनके एक और भी लोगो है वो पत्ते पत्ते बने होते हैं, तो ये लोगोज आपके जेहन में एक इमेज क्रिएट कर जाते हैं उस कंपनी के बारे में, ठीक है। तो लोगो अच्छा होना चाहिए, आपकी आपकी वेबसाइट, क्या एक लोकल बिजनेस के पास वेबसाइट होनी चाहिए, हर बिजनेस के पास वेबसाइट होनी चाहिए, हर इस वक्त हर बिजनेस डिजिटल हो रहा है और इसके अंदर भी हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों के बिजनेस को डिजिटल करना। आपके एक छोटी सी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की शॉप है ना, स्पोर्ट्स के कपड़े बेचते हैं छोटी सी जगह के ऊपर, इट डजंट मैटर, आपके पास अगर वेबसाइट है ना तो आप पूरे दुनिया के अंदर बेच सकते हैं, आप पूरी दुनिया के अंदर बेच सकते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर हर तरफ बेच सकते हैं, लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट आपकी दुकान है, ये याद रखें। तो आपके पास कोई भी बिजनेस करें, अपनी वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट फ्री में बन जाती होती है, आप विक्स चले हैं, ठीक है,
गो डैडी चले जाए, गो डैडी से, गो डैडी है, फिर एक है वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस पे बहुत सारे आपको अच्छे टेम्पलेट्स मिलते हैं, आप बहुत सारी फ्री वेबसाइट वहां से दे सकते हैं या थोड़े बहुत पैसे दे के उनको आप बाय कर सकते हैं। फिर आपके पास डोमेन होनी चाहिए, डोमेन होती है वो जो आपका आपकी होस्टिंग जिसमें होती है, यानी कि आपकी ईमेल और आपकी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो आप दे सकते हैं अपने अपने ब्रांड के साथ, ठीक है। ये तीन चार आप काम कर सकते हैं। अगर ब्रांड आपका ब्रांड डेवलप हो रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है, तो अपने नाम को और अपने लोगों को आप ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, टीएम लिखा होता है ऊपर, ट्रेडमार्क्ड, ताकि कोई और बाय ना कर ले। मतलब मैंने इतनी मेहनत की, मैंने नाम बनाया स्टाइलिजिया, वो पता लगा जी स्टाइलिजिया के नाम से तो एक और कंपनी चल रही है, तो वो तो मुझे दुख होगा ना। तो इसलिए आप फिर उसको ट्रेडमार्क कर लें, कुछ पैसे लगते हैं, लेकिन कोई और नाम यूज नहीं कर सकता, राइट। ये बेसिक आपने अब कर ली हुई है, अब आपने सोच लिया कि यार अब वेबसाइट भी बना देनी है, अब नाम भी होगा, लोगो भी होगा, ये सारी चीजें फ्री है। नाम तो आप खुद ही रख लेंगे, लोगो फ्री मिल जाता है आपका, नहीं तो आप 200-300 रुपए के अंदर, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, 200-300 रुपए के अंदर आप लोगो अच्छा सा बनवा सकते हैं। फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाएं, फेसबुक के ऊपर जाएं, फ्रीलांसिंग ग्रुप्स पे जाएं, फाइवर पे जाएं, वहां से जाके अपना फ्री में लोगो बनवा लें, और या जिस 200-300 रुपए में लोगो बनवा लें और अच्छा सा लोगो बना के अपने अपने कंपनी के साथ अटैच करें, ठीक है। अब आप हाफ वे डाउन है, अब आप लाइव होने लगे हैं, ठीक है जी, वेबसाइट हो गई, सब कुछ हो गया, वेबसाइट पे आप अपने अपने प्रोडक्ट को जो है वो आप अपने ऊपर लिस्ट करेंगे, राइट, और उसके बाद करेंगे। लेकिन इस सब के करने से पहले मैं आपसे एक चीज आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो ये है अपने आप को सेफ साइड पे रखना। मैं बिजनेस में कर रहा हूँ ना, मैंने अपने आपको अंदर धुंध झोंक नहीं देना, ये इस चीज में नहीं आ रहा, वो मैं बड़ा मेहनती हूँ, मैं छा जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तबाही कर दूंगा, मैं ये बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। आपने आपने अपने ना वो लेने हैं, आपने अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, आपने अपने आप को बचा के चलना है, राइट। तो जो पहली चीज है ना वो ये है कि आपके पास 18 महीने का घर का खर्चा होना चाहिए। 18 महीने तक आपको समझ आ जाएगी आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा, 18 मंथ्स का आपके पास घर का खर्चा होना चाहिए, ठीक है, इनकम आपके पास घर में होनी चाहिए, इतने पैसे आप सेव करके रखें। और उसके बाद आप जब आपको पता हो कि मेरा घर नहीं डिस्टर्ब होगा, मेरी फैमिली, मेरी मेरी मिसेज, मेरे पेरेंट्स, इनकी लाइफ ऊपर नीचे नहीं होगी, फिर आप जाएं उसके अंदर बिजनेस के अंदर, राइट। सेकंड थिंग, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब को फुल टाइम क्विट ना करें, पार्ट टाइम करें, तो पार्ट टाइम पे आ जाए, ठीक है, डोंट क्विट, डोंट क्विट योर जॉब। उसकी रीजन ये है कि आप फाइनेंशियली बर्डन में नहीं आना चाहिए। देखिए, हाँ, आपके पहले वो प्रेशर होगा, आपने सेल्स करनी है, मार्केटिंग करनी है, आपने बिजनेस को सोचना है, सब कुछ करना है वगैरह वगैरह, फिर महीना हो गया, 2 महीने हो गए, क्लाइंट नहीं आ रहा, प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया, पैसे वहां से लगना शुरू हो गए, आप नहीं चाहते कि मेरे पैसे बिल्कुल रुक जाए, तो आप वुड ऑलवेज से पार्ट टाइम चले। इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने खुद किया था, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 2010 में, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था और मेरे पास पैसे पूसे बिल्कुल इनके पैसे तो खैर थे जो मैं जॉब शॉप करता था, आई मीन मेरे पास इतने नहीं थे कि मैं अपने आप को कहता कि यार मैं मेरे इतने खर्चे हैं तो मैं उनको मैनेज कर सकूंगा। तो आई वेंट पार्ट टाइम, मैंने जॉब को मैंने रिक्वेस्ट की अपने जो जिस कंपनी में, रशियन कंपनी में जॉब करता था, तो मैंने कहा यार मैं थोड़े दिन काम करना चाहता हूँ, ठीक है दैट्स फाइन। तो मैंने 5 दिन से 3 दिन पे आ गया, 4 दिन मैंने बिजनेस को देना शुरू कर दिया, तो मेरा घर का खर्चा चलता रहा, साथ साथ में मेरा बिजनेस के ऊपर मैं फोकस करता रहा, और इस तरीके से मैंने अपने आप को बढ़ाया। तो अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं और आप जॉब में हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम, जॉब को ना छोड़ें, उस बिजनेस को साथ, जॉब को साथ लेके चलें, बिजनेस को साथ लेके चलें, दोनों चीजों को साथ लेके चलें और अपने जो है उसके ऊपर फोकस करें, अपने बिजनेस प्लान के ऊपर फोकस करें। नंबर 3, अगर आपका पहला बिजनेस है ना, आई वुड से गेट अ पार्टनर, गेट अ पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन ये है, अगर आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, आपने पहले बिजनेस नहीं किया हुआ, ऐसे बंदे को बुलाएं जिसके पास तजर्बा हो उस फील्ड का, उसको पता होगा यार ये होना कैसे है और कैसे, तो काम तेजी में होगा, उसको पता होगा मैंने मार्केट कहाँ करना है, प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है, कैसा डिजाइन होना चाहिए, लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सब कुछ उसको पता होगा। तो ऐसे बंदे के साथ आप थोड़ा सा लगे, उसको इन्वॉल्व करें, अपने पार्टनर, अपने उसका स्प्लिट करें अपने मार्जिन को, और उसको शेयर होल्डर बनाएं, पार्टनर बनाएं, और उसके साथ मिलकर बिजनेस शुरू करें। इससे आपको ये बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको समझ आएगी यार मैं पैसे तो लग रहे हैं, लेकिन ये कि पता है एक बंदे को, आपकी जब मीटिंग होंगी आपस में, आपको बताएगा अच्छा यार इस तरह नहीं काम करना, उसको हमने इसी तरीके से करना, तो आप खुद भी लर्न करेंगे।
अक्सर पार्टनरशिप पाकिस्तान के अंदर फ्लॉप हो जाती है, और ये कॉमन सी बात है, और ये हो भी जाती है तो अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि आप हर बंदे का अपना डिसीजन होता है. तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि पार्टनरशिप से स्टार्ट करें, अच्छा बंदा ढूंढें, कोशिश करें जो बंदा ऐसा हो जो आपके साथ लास्ट कर सके. एक दफ़ा अगर पार्टनरशिप नहीं भी चलती है और आप कामयाब होकर बाद में टूटती है, तो वो आपको इतना कॉन्फिडेंस दे जाएगी, आपको समझ आ जाएगी ये होना किस तरीके से है, ये बिजनेस का एग्जैक्टली इसकी डायनामिक्स हैं क्या, ये बिजनेस मार्केट में चल कैसे रहा है, और उस पार्टनरशिप की आपको जो वैल्यू है ना वो बहुत आपको मिलेगी. यू मस्ट गो इनटू पार्टनरशिप फर्स्ट. अगर आपके पास तजर्बा नहीं है, देखें एक आदमी को अगर बिजनेस नहीं पता तो बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें सेल्स, मार्केटिंग और बहुत सारी चीज़ें, मतलब सोशल मीडिया अब इन्वॉल्व हो गया, तो सोशल मीडिया का अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता कि फेसबुक पे ऐड कैसे लगाना है, कैसे आपने लिंक्डइन को यूज़ करना है, कैसे आपने मार्केट करने जाना है. ठीक है, तो आप पार्टनर जो है ना, पार्टनर को इन्वॉल्व करें, दैट सेव्स, दैट गिव्स यू सम कुशन. तो ऐसा बंदा जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हो, एक्सपीरियंस हो, जो आपका टाइम भी सेव कर रहे. ठीक है, एक और चीज मैं आपसे कहूंगा, आप बिजनेस में जाने से पहले, अब आप स्टार्ट करने से पहले एक दफा टेस्ट लाजमी कर लें. आई वुड से कि सेल दैट प्रोडक्ट, आपने एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, आपने कहा जी हम इस तरह करते हैं, हम सारा सेटअप तैयार करते हैं, आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसीज हम बेचेंगे, फाइन. तो आपने यानी कि ऑफिस तैयार किया, लोगों को रिक्रूट करेंगे, सब कुछ करेंगे. इससे पहले अगर आप उसकी पॉलिसी को बेच के ट्राई करना शुरू कर दें, तो आपको समझ आ जाएगी इसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं है, लोग ले रहे हैं ये इंश्योरेंस का, नहीं है. गाड़ियों का इंश्योरेंस आप देना चाह रहे हैं, आप कहते हैं जी हम आपके करेंगे, हम आपके एफिलिएट हैं, हम आपके आपके नेटवर्क मार्केटिंग में हम आपके साथ काम करेंगे मिलकर, राइट. तो अगर अगर यानी कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, मैं आते पैसे लगा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं टेस्ट क्या करूंगा, मैं उस सर्विस को लूंगा, प्रोडक्ट लूंगा, उसको मैं कुछ लोगों पर ट्राई करूंगा, उसको सेल करूंगा, देखूंगा बिकता है कि नहीं बिकता. अगर तो बिक गया तो फिर मुझे समझ आ जाएगी कि यार ये मैं बेच सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ और इसकी मार्केट में डिमांड है. और अगर नहीं भी है तो फिर मुझे क्या चेंज करना है, मुझे ये चीज़ नहीं कि मैं पैसे लगा दूँ उसके बाद मुझे पता लगे, मुझे अभी पता लग जाए कि इसमें मसला क्या है, तो आपको समझ आ जाएगी कि एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से मार्केट डायनामिक्स काम करती है, राइट. सो ये तीन चीज़ें, ये चार चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. पैसे होने चाहिए, ठीक है. अगर पैसे बहुत सारे पैसे नहीं है, तजर्बा भी नहीं है, तो पार्टनर ले लें. और अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब एकदम से ना छोड़ के बिजनेस में आए, आस्ते आस्ते आ जाएं, ग्रेजुअल ट्रांजिशन करें, घर के लोगों को इन्वॉल्व कर लें, अपनी मिसेज को इन्वॉल्व कर लें, अपने भाई को इन्वॉल्व कर लें, अब बहुत सारे आप उनको उनकी हेल्प ले सकते हैं शुरू के अंदर, ताकि आपको जॉब ना छोड़नी पड़े, आपके घर का खर्चा चलता रहे. राइट, ओके. अब जो मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था, बताएं जी पैसों के बगैर बिजनेस कौन सा शुरू होते हैं, तो मैं बताने लगा हूँ. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है B2B, एक होता है B2C. B2B वो बिजनेस होता है जिसमें आप एज ए बिजनेस किसी बिजनेस के साथ काम करते हैं, आप उसको सर्विस देते हैं, ठीक है जी. और B2C एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आप डायरेक्ट कंज्यूमर को, मतलब अगर मैं कपड़े बेच रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट लोगों को बेच रहा हूँ, अगर मैं जूते बेच रहा हूँ तो डायरेक्ट लोगों को बेच रहा हूँ, ठीक है. लेकिन अगर मैं B2B हूँ तो मैं सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ तो मैं किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर होता बेच रहा हूँ, अगर मैं उसकी इंश्योरेंस की कॉर्पोरेट इंश्योरेंस बेच रहा हूँ तो मैं किसी कंपनी को बेच रहा हूँ, अगर मैं पानी के टैंक्स बेच रहा हूँ तो मैं कहता हूँ जी पानी के टैंक्स दूंगा आपके बिजनेस को, तो आपके जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी आपके हैं, वहाँ पे हम पानी के टैंक्स पर, तो ये B2C आपके आपकी पेन स्टेशनरी, आपकी PC की जो रिपेयर है, इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, आप B2B करते हैं. अगर आप B2B में जाते हैं ना, तो ये ज़हन में रखें कि B2B इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस. उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे आपके पास हजारों कस्टमर होंगे तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनते हैं. यहाँ पे आपके पास एक से दो कामयाब बिजनेस मिल गए ना आपको क्लाइंट, क्योंकि जो कहा ठीक है जी हम आपसे माल लेंगे, आप हमें माल दें, हमारी डिमांड है 10 लाख का हर वीक में, या 50 लाख का सामान हर वीक में, तो 4 वीक का आप उसको 4 दफा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपकी यानी कि सारी एफर्ट होगी कि मैंने किसी कामयाब बिजनेस के साथ लगना है, ठीक है. तो अगर आप उसमें यानी कि इट्स अ डिफरेंट डायनामिक, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, इसमें ये नहीं है कि आपका जी मैं हम बस लोगों को भी, इसमें ये है कि आपके पास 5 बड़े क्लाइंट मिल गए, दैट्स इट, जॉब डन. अब आप उसके साथ काम करते रहे, डिपेंडिंग ऑन योर सर्विस की आपकी, तो आप उसकी सर्विस उसका ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं. इसे कहते हैं B2B, इसे कहते हैं B2C. दोनों अच्छे हैं, दोनों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट है. इसकी एडवर्टीजमेंट में बता दूं, अगर आप B2B में हैं तो आप यूज करते हैं LinkedIn, इट्स कॉल्ड LinkedIn, यहां लिख देता हूं, LinkedIn से आप जो है ना हेल्प लेते हैं.
अगर आप बी टू सी में हैं तो आप फेसबुक के एड से लेते हैं, अगर बी टू बी फेसबुक के एड्स आप यूज करते हैं, राइट तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आपके जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी प्रमोशन है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर आप इन दोनों को यूज करेंगे. इंस्टाग्राम को भी यूज कर सकते हैं, लोग टिकटॉक को भी यूज कर रहे हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं. अगर आपके क्वेश्चन है साथ साथ आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं जो है ना साथ साथ में आपको थोड़ा सा अगर आपको इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए. अब हम आ रहे हैं कि कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो कि आप बगैर पैसों को शुरू कर सकते हैं. अच्छा जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लें और फिर इसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे. नंबर वन इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग. ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये आप है, ये आपका क्लाइंट है और ये सप्लायर है. आपको किसी ने क्लाइंट ने ऑर्डर भेजा आपकी वेबसाइट पे कि मुझे 5 शर्टें चाहिए. आप तो यहां से सप्लायर, जो सप्लायर है उसे कहा 5 शर्टें इसको भेज दो. इस बंदे से आपने लिए हर शर्ट का 2000, तो आपने 10,000 लिया इसको, और इसको आपने दिया हर शर्ट का 1,000. ठीक है, तो आपने यहां से लिया 10,000 और यहां पे दिया 5,000 और इसने डायरेक्टली उसको भेज दिया आपके नाम से. इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, सिंपल आसान तरीके के अंदर. ठीक हो गया. ड्रॉप शिपिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोज हैं, बहुत सारा कुछ मटेरियल है, इसको डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत डिटेल में आपको बड़े आराम से ये आइडिया यही है, इसको आपने यूज करना है. अली एक्सप्रेस एक वेबसाइट है, अली एक्सप्रेस, उसको आप यूज करें. उधर से सस्ता माल आता है, उधर से उठाकर माल पूरी दुनिया में जिसको मर्जी भेजते हैं. आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, लोग आपको कॉन्टैक्ट करें, आप उस वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइज कर सकें पूरी दुनिया के अंदर. ये सिंपल सी गेम है. ठीक है जी, इसके ऊपर आप इसके ऊपर काम करें. ड्रॉप शिपिंग इज नॉट अ न्यू आइडिया, इस पिटा हुआ आइडिया. ठीक है, लोग इस पर फिर भी काम करें. पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग पे आप कर, आप देखें ड्रॉप शिपिंग में बताऊंगा आसान तरीका. आपने फर्नीचर बेचना है, ठीक है, होता है ना पूरा पूरा जहेज का सामान और उसमें ये वो बहुत सारी चीजें जैसी होती हैं वो होती हैं. तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने शोरूम, ऑनलाइन शोरूम खोलें, राइट, और पीछे जो मैन्युफैक्चरर है ना जो कि लोग बनाते हैं उनसे डिजाइन पकड़ लें, उस डिजाइन को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दें. ठीक है जी, हम आपके मतलब बेड भी, ये भी, पूरी वार्डरोब, सारा कुछ आपका हम बना कर देते हैं. तो ये वाला हो गया. तो आप अपनी वेबसाइट पे जो ऑर्डर आता है उसको आप पीछे मैन्युफैक्चरर को पास ऑन करके वहां से बनवा के डिलीवर सीधा वहां पे करवा सकते हैं. सिंपल एज एनीथिंग. गाड़ियों के अंदर ही काम होता है, गाड़ियां एकदम से तो नहीं होती. मैंने अपनी जब गाड़ी नहीं ली थी यहाँ पे तो मुझे वो लेक्सस थी, तो लेक्सस का जो आती है वहां से जापान से आती है, तो मैंने उनको पैसे दिए, उन्होंने शोरूम वालों ने उनको पीछे लेक्सस वालों का गाड़ी भिजवा दो, गाड़ी आ गई सीधी. ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग का मतलब होता है कि आप पहले पैसे ले लेते हो और बाद में सप्लायर से कहते हो कि सामान जो है भेजते हैं. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल आइडिया. इसमें रिसर्च करें, इसको देखें कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से कैसे मार्केट में काम होता है. इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी हम अगर कहेंगे तो कर देंगे, लेकिन ये उस इतना ज़्यादा ऑलरेडी है आपका इसमें मटेरियल, यूट्यूब के ऊपर आप उसको देख सकते हैं वहाँ पे. ओके, नेक्स्ट वन इज एफिलिएट मार्केटिंग. इस पर मैंने वीडियो बनाई भी है. एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उन पर जाएं. ड्राज हो गया पाकिस्तान के अंदर, ई मरकज है पाकिस्तान में, शादी की वेबसाइटें हैं, बहुत सारा कुछ है, उनके ऊपर आप उनके एफिलिएट बन सकते हैं. एफिलिएट के नाम बहुत सारे मुख्तलिफ होते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाना लिखा होता है बी अ पार्टनर, बी अवर अवर फ्रेंड, पता नहीं क्या कुछ लिखा होता है. ठीक है, आप उनके साथ बन सकते हैं. उसके बाद आपने उनकी वो आपको एक लिंक दे देते हैं, आप उस लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करते हैं और वहाँ से वो आप उनके एफिलिएट बन जाते हैं, और जो भी बिजनेस आपके वो लिंक के थ्रू आता है, जो लिंक के थ्रू जो भी बिजनेस आएगा ना, वैसे लिंक चला गया आपने व्हाट्सएप में शेयर किया तो वो कोई 1,000 लोगों को चला गया, उन 1,000 लोगों ने आगे शेयर कर दिया, बहुत सारे लोगों को शेयर कर दिया. अब उस लिंक के थ्रू कोई भी बंदा जो क्लिक करके उनकी वेबसाइट पे जाकर बाय करेगा ना, तो उसका कमीशन आपको मिल जाएगा, तो उसका कमीशन आपको मिलेगा, राइट. तो मतलब हमें यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, पिज्जा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, जो पिज्जा के ना उनके वाउचर्स आते हैं, क्लिक पर लिंक पर क्लिक करें तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. तो असल में 10% ऑफ मिल रहा होता है, लेकिन जिस बंदे ने लिंक को स्टार्ट किया होता है ना उसको भी कमीशन जा रहा होता है. ठीक है, तो आप ये काम इसको कर सकते हैं. एफिलिएट मार्केटिंग को अच्छा काम है, इसको आप और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनके साथ भी कर सकते हैं. मसलन अमेजोन है, आई थिंक शॉपिफाई है, इसके अंदर देख लीजिए. लेकिन उसमें ये देखना है कि वो पाकिस्तान में पैसे कैसे ट्रांसफर करेंगे. वो एक पेपॉल तो काम नहीं करती है, तो आई थिंक देयर इज अ वे अराउंड दिस, आप उसको देखना पड़ेगा आपको. लेकिन ये आप लोकली बहुत सारी कंपनी से ऑलरेडी काम कर सकते हैं. ठीक है, एनी क्वेश्चन ऑन दिस वन यू कैन जस्ट कॉमेंट और मैं उसको देखता हूँ कि मैं आंसर कर सकता हूँ.
जी ड्रॉप शिपिंग इज कमीशन बेस्ड, इक्वेशन बेस्ड नहीं होती है भाई मेरे, ये इसमें आप अपना मार्जिन रखते हैं, प्राइसेस आपने रखनी है। मतलब मुझे पता है कि एक मतलब मेरी घड़ी है ना, ये घड़ी अगर ये घड़ी मार्केट में लगी हुई है 70,000 की, फॉर एग्जाम्पल सर, इसकी जो मैन्युफैक्चरर है वो कहता है जी मैं आपको दे दूंगा ये वाली घड़ी 30,000 की, और मैं अपनी वेबसाइट पर लगा देता हूँ 70,000 की, मैं 60,000 की लगा दूँ, 70,000 की लगा दूँ, 80,000 की, ये मेरी चॉइस है। तो मेरी वेबसाइट पे जाके जिसने 80,000 की बाई की है, पीछे से मैं सप्लाई करवा दूंगा उसके घर पे, तो उसको उसको घर डिलीवर हो जाएगी, 30,000 में अपने उसको अपने सप्लाई को दूंगा, 80,000 की मैं बेची, 50,000 में अपनी जेब में रखूंगा। इसको कमीशन बेस्ड नहीं होता, ये आपके अपने मार्जिन होते हैं, रिटेल प्राइस अपनी खुद आपने सेट करनी होती है। एफिलिएट मार्केटिंग कमीशन बेस्ड है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपने अपने वो कमीशन होता है वो 5% होता है, 10% होता है, 13%, 14%, 15%, 50% तक भी जाता होता है, वो कमीशन बेस्ड होता है, तो आप उसको वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग का आइडिया पाकिस्तान में इतना ज़्यादा भी चला नहीं है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आइडिया इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक और बड़ी जबरदस्त किस्म का ये एक आइडिया, बिजनेस आइडिया, उसको आप यूज कर सकते हैं। लेट मी जस्ट हैव सम वाटर, मैं एकदम से फील करूंगी प्यास लगना शुरू होगी। ओके सब कॉन्ट्रैक्टिंग, इसमें क्या होता है, इसमें आप एक टेंडर फाइल फिल करते हैं, या आप किसी बड़ी कंपनी से कोई उनका उनका प्रोजेक्ट उठा देते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं। मतलब मैं कहता हूँ जी मैं क्लीनर सप्लाई करूंगा, मैं हम लोग क्लीनिंग करेंगे आपके ऑफिस की, आपके ऑफिस में 5 क्लीनर चाहिए, या कोई स्कूल है उसमें क्लीनर चाहिए, या कुछ भी है, तो जो हम क्लीनर हम आपको देंगे, तो ये स्कूल है उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, उससे हमने ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ठीक है इसमें, लेकिन मैं खुद नहीं दूंगा, मेरे पास बंदे नहीं है ना। अब मुझे कहते हैं जी सिक्योरिटी हमें पैकेजेस मॉल है लाहौर के अंदर, पैकेजेस मॉल कहता है जी सिक्योरिटी आपने हमें देनी है, हम कहते हैं ठीक है जी, और हमने उनसे सिक्योरिटी ले ली कि 50 बंदे या 10 बंदे रोजाना के काम करेंगे वहां पे, लेकिन सिक्योरिटी मैं नहीं करूंगा। अब मैंने एक और सिक्योरिटी की कंपनी को कहा, इस सिक्योरिटी कंपनी से मैंने कहा कि आप जो है 10 बंदे ले लिए आपने यहाँ पे सप्लाई करने हैं, अब वो बंदे सप्लाई कर रहे हैं, मैं यहाँ से उनसे पर बंदा अगर मैं ले रहा हूँ जैसे 30,000 रुपया, उनको मैं पर पर्सन दूंगा 20,000 रुपया, तो मैं 10,000 रुपया पर पर्सन महीने का बचा रहा हूँ, ठीक हो गया। इसे कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेके आगे किसी से काम करवा लो और अपना मार्जिन साथ में रख लो बीच के अंदर। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप किसी स्कूल से कहें जी स्टेशनरी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप खुद लें, लेकिन जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है उससे माल लेके आगे भेज दें, अपना कॉन्ट्रैक्ट आपने रखा हुआ है। आप क्लीनिंग के अंदर काम कर सकते हैं, क्लीनर आप दे सकते हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर। आप बहुत सारे टेंडर्स, अगर आप टेंडर्स देखें उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप उन पर काम कर सकते हैं। आप कहते हैं सीसीटीवी हम देंगे आपको, खुद ना दें, किसी सीसीटीवी वाले से करवा लें। आप कहते हैं जी कि हम बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स ठीक है वो टर्न स्टाइल होते हैं स्कूलों के बाहर लग रहे होते हैं, हम देखेंगे, या रिमोट मॉनिटरिंग, बहुत सारे चीज़ें हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर जो आप कर सकते हैं। ऐसे सोचें, ऐसे देखें कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको आप ले किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से। एक कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं कि हम आपके विंडोज साफ हम करेंगे, ठीक है, या हम आपके नई विंडोज हम लगाएंगे, नए डोर्स हम लगा देंगे, हम आपके हर 5 साल बाद आएंगे, हम आपको ये काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे काम है, उसमें आपने अपने पास बंदा होना चाहिए, आपके पास एक आगे कंपनी होनी चाहिए या कोई सप्लायर होना चाहिए। जब भी वो आप कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आता है, आप काम उनसे करवाएं, जो क्वालिटी है वो आपकी जिम्मेदारी में आएगा, क्वालिटी आपने मेंटेन करनी है, जो सर्विस डिलीवरी है वो आपकी जिम्मेदारी में आएगी, बनाएंगे वो चीज़ों को वो मैनेज करेंगे, लेकिन ये कि आप उसको पूरा मैनेज करोगे कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो उसके इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपकी अपनी एक्सपर्टीज, आपको पता होना चाहिए कि ये काम मैंने करना कैसे है। अगर ये नहीं ना पता होगा तो आप बिजनेस नहीं ये पता नहीं कर सकते, फिर इसमें मार खा जाएंगे, पैसे फंस जाएंगे, क्योंकि ये काम कर लेंगे, ये वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खराब कर देंगे और आपका बिजनेस चला जाएगा। तो ये वाला काम नहीं करना, ठीक है। ये तीसरा तरीका है, वो बहुत बड़ा तरीका है। ये 3 तरीके मैंने अभी आपको बताए हैं अभी तक, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो मुझे बताइए। जॉब एजेंसी आइडिया, रिक्रूटमेंट एजेंसी, बिल्कुल सही है, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस पर वीडियो बनाई है, आपने कोई वीडियो देखी हो तो जो मैं ये जिक्र कर रहा हूँ ना, इसको आप अपने वीडियोज को थोड़ा बहुत देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने इस आइडियो किया। रिक्रूटमेंट एजेंसी बहुत बहुत अच्छा बिजनेस है, रिक्रूटमेंट एजेंसी वो होती क्या है,
कि आप अपना कमीशन लेते हैं, आप लोगों को रिक्रूट करके देते हैं, बस मुझे अगर अपनी कंपनी के लिए आईटी का बंदा चाहिए ना तो मैं ऐड लगाऊंगा, 50,000 मेरे पे सीवी आएंगे, मैं उनको करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, तो मैं किसी कंपनी से कहता हूँ आपके पास, रिक्रूटमेंट कंपनी से कहता हूँ आप मुझे बंदा दो, वो 10 बंदे देते हैं, मैं 10 मिनट इंटरव्यू करता हूँ, एक बंदा का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, दैट इज माई, वो बंदा, उसने मुझे टाइम सेव कर दिया। उसकी फी क्या होती है कि पहले महीने की जो सैलरी होती है ना, पहले महीने की, अगर उस बंदे की तनख्वाह 1,00,000 रुपए थी, तो 50-70% वो आप उसको आप उस एजेंसी जो सी है ना वो रखती है अपने पास, ठीक है, वो आप उसी से लेते हो जिसकी आप जिसको वो कंपनी से लेते हो, बेसिकली बंदे से नहीं ले रहे होते, आप उस कंपनी से ले रहे होते, तो कहते हैं जी हम आपको बंदा देंगे, आप करें इंटरव्यू, हमारी इतनी फी होगी। तो अगर वो 1,00,000 रुपए भी बंदा रखते हैं तो वो 70,000 आपको देते हैं, 50,000 देते हैं, जितना भी आपको रेट फिक्स किया होता है। तो आप इसमें काम कर सकते हैं, अपनी फील्ड देखें, आपकी फील्ड के, आप आईटी के अंदर हैं, आपके पास ऑपरेशन का एक्सपीरियंस है, आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस है, आपके पास आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पास फील्ड है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपने पहले लोगों के इंटरव्यूज करने हैं, उसके बाद आपने लोगों को आगे फॉरवर्ड करना है। ये नहीं हो सकता कि आप एकदम से आप लोगों के इंटरव्यू ना करें, ठीक है, और आपको पता ही ना होगा बिजनेस में मार्केट में चाहिए क्या, और आप लोगों को बंदे देते फिर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपकी अपनी बड़ी अच्छी ग्रिप हो उस बिजनेस के ऊपर, और फिर आप जो और फिर आप लोगों को जाके इसको पिच कर सकें। राइट, इट्स ऑल बेस्ड ऑन कमीशन, एग्जैक्टली ये कमीशन बेस्ड होता है, इसमें आपको कमीशन होता है 50-70%, पहली सैलरी का जो होता है ना वो 50-70% आपको कमीशन मिलता है, ठीक है, रिक्रूटमेंट एजेंसी। एक और बिजनेस आपको बताता हूँ, ओके, सो दिस इज फोर्थ फिफ्थ वन, मैंने ऐसे प्रॉमिस किया था पांच बिजनेस बताऊंगा, तो मैं पांच बिजनेस बता रहा हूँ आपको। पांचवा बिजनेस मीडिया एजेंसी, या इसको मार्केटिंग एजेंसी भी कहते हैं। अच्छा, ये कौन से लोग कर सकते हैं इस पे काम, मार्केटिंग एजेंसी में लोग कौन से करते हैं, मीडिया एजेंसी में कौन से काम करते हैं? ये वो लोग हैं जिनको आईटी का एक्सपीरियंस है, जिनको एसईओ थोड़ा सा करना आता है, जिनको फेसबुक पे एड लगाने आते हैं। आप सीख लें, इसमें 2-3 महीने लगते हैं, आप ये सीख लें, उसके बाद आप लोगों के पास जाएं और उनको जाके कंपनीज के पास जाएं और कंपनी को कहें जी हम आपके बिजनेस को प्रमोट करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, हम आपके एड्स रन करेंगे, सारा कुछ सोशल मीडिया हम मैनेज करेंगे, हमारी फी होगी आपके, अगर आप हमें, यानी कि फॉर एग्जाम्पल फी का तरीका ये होता है, 1,00,000 रुपये आप हमें देंगे हर महीना, 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 12 महीने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हम 12 महीने तक आपकी 1,00,000 रुपये के साथ आपके करेंगे, आपने हमें 1,00,000 रुपये देना है। उसमें दो तरीके होते हैं, आप 75,000 के ऐड लगा देते हैं, 75K के आप ऐड लगा देते हैं, 25,000 आपके पास रख लेते हैं, या आप क्लाइंट को बता देते हैं कि हमारी फी होगी 1,00,000 रुपये, उसमें से 75,000 के आपके ऐड होंगे, 25% हमारा होगा, पहले बता दें, ठीक है। तो हो सकता है क्लाइंट का, यार इस तरह ना करो, 75,000 करो, 1,00,000 के पूरे ऐड लगा दो, मैं तो मैं 1,25,000 दे देता हूँ, ठीक हो गया। तो आप इसको इसके अंदर आपका 1 रुपया नहीं लगा, इसके अंदर आपकी सिर्फ सेल लगी, आपने पैसे भी उससे लेने हैं, काम भी आपने करके उसको देना है, अपना मार्जिन साइड पे कर लेना है, ठीक है, और बता दें क्लाइंट को जी मैं 25% मेरा होगा, 15%, 20%, जितना भी आप चाहते हैं उसको करना। इसके अंदर मिलियंस में लोग कमा रहे हैं, मिलियंस के अंदर, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो लाखों में कर रही है एडवर्टाइज। जस्ट यूनिलीवर फेसबुक पे बिलियंस के, आई थिंक 6-7 बिलियंस के ऐड लगाती है, ठीक है। तो आप सोचें कि जो मीडिया एजेंसी उनके लिए काम कर रही होंगी आगे से, जिनको सारा सोशल मीडिया खुद तो नहीं बैठ के कर रहे ना, टाइम तो नहीं है, तो वो जो उनके जो मीडिया एजेंसी, जो मार्केटिंग एजेंसी उनके लिए काम कर रही है, वो कितना पैसा कमा रही होंगी। तो इसके ऊपर आप काम करें, आपको फेसबुक के ऐड आने चाहिए, गूगल ऐड आने चाहिए आपके पास लिंक्डइन का पता होना चाहिए कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम कैसे काम करता है, इन चीज़ की आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एसईओ का पता होना चाहिए, वेबसाइट पे कीवर्ड्स कौन से होने चाहिए, इन थोड़ी बहुत चीज़ों को जो है ना, और ये बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ये आप ये सीख सकते हैं विद इन 3 मंथ्स, और उसके बाद आप जाके ये बिजनेस कर सकते हैं। ओके, सूटेबल फी फॉर एजेंसी, हमने बंदा रिक्रूट किया था जी पाकिस्तान में अभी, अपने लिए हमने ऑपरेशन मैनेजर रिक्रूट किया था, और उसके लिए हमने पे किया हाफ ऑफ द फी, 50%, तो 50% उसकी सैलरी हमने उसको पे किया था। तो आप 50%, 60%, 10%, 75%, 75%, जितना भी आपने रखना है आप रख सकते हैं, डिपेंडिंग उसकी डिमांड कितनी है। ये ना हो कि वो एजेंसी आपको 50% दे रही है और आप 75% मांग रहे हैं, बिजनेस भी तो रखना है ना, कोशिश करनी बिजनेस भी आपके पास रहे। अगर कोई क्वेश्चन है आप साथ साथ में पूछ सकते हैं, ये कहां से सीख सकते हैं, या आप बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, आप बहुत सारा क्या कहते हैं, आप
यूट्यूब पे वीडियोज ऑलरेडी पड़ी हुई है, यूनिवर्सिटीज के ऊपर उनके सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स पड़े होते हैं, आप देख सकते हैं उनको, वहां से सीख सकते हैं, इस वेरी इजी. कहता है इस इमरान शेख ने कहा है जी कि क्या ईच मंथ, हाँ जी भाई ईच मंथ आपको जो है ना, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हैं तो आप अगर जितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 महीने का, तो 6 महीने में आपको हर लाख 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 रुपया देंगे, तो आप उनको बताएंगे जी हम हर महीने आप कितने के ऐड रन करेंगे. और अगर आप डिजिटल, अगर आप रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात कर रहे हैं तो वन ऑफ फी होती है, एक दफा पे करनी होती है, उस वजह से आप एक दफा लेके साइड पे हो जाते हैं. ओके द लास्ट वन इज सेल्स. अब आपने सब कुछ कर लिया, बिजनेस भी ऑनलाइन हो गया आपका, आपने मार्केट के माल भी कर दिया, कंपटीशन को समझ आ गई, अपने मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दी, सबसे बड़ी चीज है सेल्स. जो बंदा सेल नहीं कर सकता ना, जो बंदा सेल्स नहीं कर सकता वो बंदा काम नहीं कर सकता. सेल्स इज की, सेल्स इज इंपॉर्टेंट. ठीक है जी, आप इसके ऊपर आप यानी कि अगर आपके पास अब सेल्स की स्किल्स नहीं है ना एज ए बिजनेसमैन, तो आपके पास अच्छे लोग भी काम नहीं करेंगे, आपके पास आपकी आपकी जो टीम है वो भी मोटिवेटेड भी नहीं होगी. सेल्स की स्किल आपको हेल्प करती है मोटिवेशन के अंदर. सेल्स आप अपना आइडिया लोगों को सेल करते हैं, मैं क्यों बिजनेस कर रहा हूँ, मैं क्यों आगे बढ़ना चाहता हूँ, फिर आपकी टीम मोटिवेट होती है, फिर आप क्लाइंट को भी सेल करते हैं, वो क्लाइंट के लिए सेल्स के लिए भी मोटिवेशन चाहिए होती है. तो सेल्स इज द की. ठीक है, सेल्स के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है अटेंशन देना. क्या आपका प्रोडक्ट इतना कैची है, क्या आपकी मार्केटिंग इतनी कैची है, इतनी उसके अंदर अटेंशन की पावर है कि वो लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सके. अगर वो नहीं ग्रैब कर सकती है तो आपको तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल ही नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि फिर जिसका एड ज़्यादा अच्छा होगा, जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा होगा, जिसकी वो यानी कि इसकी सेल्स स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी होगी, लोग उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे. तो मेक श्योर कि आपके अटेंशन ग्रैबर हो उसके अंदर. सेकेंडली उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट हो या आप क्रिएट कर सको, इंटरेस्ट क्रिएट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बस अगर आप किसी को कहते हो जी मैं आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी बनता हूँ, ठीक है, तो आपने उसको बताना है ना क्यों आप रिक्रूटमेंट एजेंसी बनोगे. आप उसको कहोगे जी मैं आपको आपको बंदे दूंगा, मेरे पास ये बंदे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, और हम आपको सेव कैसे करेंगे, आपको टाइम सेव करेंगे, पैसे सेव करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को सेव करेंगे. ठीक है, उसको इंटरेस्ट क्रिएट करना है, पहले उसको टेंशन देनी है, फिर उसको इंटरेस्ट सेव करना है. थर्ड थिंग इज डिसीजन. आपने डिसीजन लेना होता है, सेल्स अच्छे सेल्समैन होते हैं ना वो डिसीजन लेते हैं, लोगों से कहते हैं आप बाय करें, हाँ जी आप बाय कर रहे हैं. इसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम अपने सेल्स के सेशन में सिखाते होते हैं कि कैसे आप अगले को जो आपका क्लाइंट है, जो पोटेंशियल क्लाइंट है, जो प्रोस्पेक्ट भी उसे कहते हैं, आप उसे कैसे मजबूर करते हैं, मजबूर इन अ वे के यानी कि साइकोलॉजिकली आप उसको कहते हैं कि आप डिसीजन लो. क्योंकि ध्यान में रखें कि अक्सर लोग जो 24 घंटे आपने किसी को अच्छी चीज़ दिखाई, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को अच्छा वॉलेट दिखाया, आपने कहा यार ये बाय करना, उसको दिल में भी आ गया, उसने कहा यार मैंने बाय करना है, 24 घंटे गुजर जाएंगे ना उसका माइंड चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो 24 घंटे से 48 आवर्स का वो एक वो होता है इंटरेस्ट पीरियड होता है, अगर ये ओवर हो जाए उसके बाद फिर लोग बाइंग नहीं करते हैं. तो डिसीजन आपने विदिन 24 आवर लेना होता है. इसलिए जब आप B2B जाते हैं, B2C जाते हैं, जब किसी क्लाइंट को कहते हैं जाके जी हम आपकी मीडिया एजेंसी है, हम आपके लिए ये करेंगे, तो आपने 24-25 घंटे के अंदर 24-48 घंटे के अंदर कोशिश करिए उसे डिसीजन मिल जाए आपको. क्योंकि जब वो ज़्यादा सोचेगा ना तो ही विल टॉक हिमसेल्फ आउट ऑफ दिस, वो एकदम से कहेगा यार छोड़ो यार मैं खुद जो कर रहा हूँ, क्यों इतने पैसे दूंगे यार, क्या मुसीबत है, मैं नहीं देता पैसे. ठीक है, यानी कि वो अपने आप को खुद लॉजिक देगा, वो कहेगा यार बस बचा लो पैसे किस लिए, छोड़ो रहने दो. हाउ वी कैन बिकम बिजनेस ट्रेनर्स, ये बड़ा अच्छा आइडिया आपका. जो बिजनेस ट्रेनर के लिए आपके पास बिजनेस एक्सपर्टीज होना चाहिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए. डिग्री आजकल लोग दुश्मन हुए हैं डिग्री के, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, बोथ दे गो हैंड इन हैंड. ठीक है जी, आप और खुद पर्सनल एक्सपीरियंस भी अगर आपको है बिजनेस के अंदर तो बहुत कुछ सिखाता है. तो आपके पास बैकग्राउंड जो नॉलेज है प्लस एक्सपर्टीज प्लस आपकी पर्सनैलिटी, क्योंकि जो बिजनेस कंसल्टेंट है वो भी फ्री में आप काम शुरू कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ नहीं चाहिए, यू कैन स्टार्ट इट फॉर फ्री. बिजनेस कंसल्टेंट का काम भी है, ये कंसल्टेंसी होती है. जो मीडिया है ना, मीडिया आप सोशल मीडिया में हम करेंगे, कंसल्टेंसी ही होती है आपकी. आप उनको एडवाइस कर रहे होते हैं, आपने ये मार्केट है, ये लोग हैं, इनको करना है, हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे. तो बिजनेस कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, एंड दैट्स अनदर बिजनेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. Okay, so important thing, क्या आपके प्रोडक्ट के अंदर इतनी जान है कि लोगों की टेंशन ले सके, इतनी जान है कि लोगों के अंदर इंटरेस्ट उसके अंदर हो, ठीक है, लोग चाहें कि ये बिजनेस लें, और क्या आप डिसीजन ले सकते हैं उनसे. ठीक है, और लास्ट वन इज एक्शन. आई थिंक एक्शन, क्या आप उसको एक्शन यानी कि उसको करवा सकते हैं, उसको कह सकते हैं ले जी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करें. सो वी हैव टू गेट देम टू एक्ट, राइट. तो ये
अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए यू शुड लर्न सम सेल्स एज वेल. ओके, सेल्स की ट्रेनिंग हम लोग रन करते होते हैं. आई थिंक द नेक्स्ट ट्रेनिंग वी हैव इज ऑन द सेकंड संडे ऑफ नेक्स्ट मंथ, आई थिंक व्हिच इज 11th आई बिलीव. कैलेंडर नंबर, लेट मी जस्ट चेक ऑन द कैलेंडर. No, sorry, 12th. 12th, अगले महीने के 12th को my business, वो sales की training है, जो कि of course it वो महंगा session होता है, लेकिन इतना भी नहीं. हम लोगों ने 35,000 का जो course है, वो हमने सिर्फ 3,000 में हम offer करते हैं, ताकि लोग उसको attend कर सकें, उसको सीख सकें. और अभी तक बहुत सारे लोगों ने, जो business community है, जो लोग business करना चाहते थे, उन्होंने उसको attend किया. अगर आपने attend करना है, do contact us. हमारे inbox में जाकर लिखें कि जी हमने contact करना है, अपना नाम और contact number जो है वो छोड़ दें, तो हमारी जो sales team है वहाँ से वो contact कर लेगी. लेकिन you should learn this as well. Sales होती है attention, interest, decision, action. आपको उसे plan होना चाहिए. एक बंदा आपके shop में आया, आपको समझ आ जाए, उसकी attention लेनी है, उसका interest लेना है, उसे कहना हाँ जी भाई ये आपको अच्छी लगी चीज, उसको बाद उसको अपने you need to get them to buy. ठीक है, अगर आपने मीडिया एजेंसी बननी है, CEO से आपकी मीटिंग हुई है, मैनेजिंग डायरेक्टर से मीटिंग हुई है आपकी, ये नहीं कि उसको बात करके आगे तो अब दो महीने चुप रहना है, उसको फिर उसको फॉलो अप करना है, उसको फॉलो अप करके उसका डिसीजन लेना है, उसके बताएं जी आपने क्या करना है, किस तरीके करना. तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रेटजी डिफरेंट है, पूरा उसके अंदर ट्रेनिंग सेशन होती है, लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होना चाहिए कि सेल्स आपने कैसे करनी है, कैसे अगले जो क्लाइंट है उसे आपने बिजनेस लेना है. ऑलराइट, ओके, अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं यहाँ पे, देन अदरवाइज वी गोना वाइंड आउट. Okay. So thank you very much for all of you जो कि watch कर रहे हैं, जो उसको बाद में भी watch करेंगे, क्योंकि अभी live जा रही है. आप लोगों के questions का बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आपके कोई question हो, आप हमारे Facebook page पे जाके कर सकते हैं. What I would suggest is कि आपके पास ये जब चली जाएगी live, उसका link आपके पास होगा, आपने उसको share करना है. ये आपकी the only fee you're gonna pay is to me is के आपने सिर्फ इस उस link को आपने share करना है, और आपने उसमें अपने Facebook के ऊपर लिखना है कि I have attended this. This is interesting. This is helpful. ठीक है, और इंशाल्लाह आपको हेल्प भी करेगी. आप इसको दोबारा से गो थ्रू करें, इसको देखें, और इसको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इसको वो समझें. इसके बाद जो हम सेशन करेंगे, उसमें हम एक दो सेशन कर रहे हैं जिसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे करते हैं वो उसके ऊपर कर रहे हैं, फिर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी हम कर रहे हैं. तो वो जो सेशन है वो फ्री सेशन ही हम कोशिश करेंगे, फ्री सेशन हो, सिर्फ सेल्स का सेशन है. उसमें हम ब्रिटिश ट्रेनर्स हम इन्वॉल्व करते हैं, मैं होता हूँ, फिलिक्स होता है, आई डोंट नो व्हाई ही कुडंट मेक इट टुडे, लेकिन ये कि नॉर्मली फिलिक्स जो है हमारे साथ होता है, तो वी ऑफ कोर्स हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है उसके अंदर. तो वो भी हमने पाकिस्तानियों के लिए हमने इतना सस्ता कर दिया कि यार कहाँ 35-40,000 खर्च करेंगे, जो 2-3,000 के अंदर, 3,000 के अंदर वो कोर्स होता है, 3,000 के अंदर ही बन जाता है. बहुत सारे लोगों ने अटेंड कर लिया हुआ है, और आगे भी बहुत सारे लोग करेंगे. आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो, आप हमारे फेसबुक पेज पे करें, एज अ सेट के कंपनी रजिस्टर करवाने में किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो, उसमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे डील करेगी. मैं पर्सनली खुद भी कभी तो मैसेज देखता हूँ, तो मैं खुद भी आपके साथ जो है ना लियाज कर सकता हूँ. तो अब तक फीडबैक क्लास भी दीजिएगा इसके नीचे कॉमेंट्स के अंदर YouTube के ऊपर, और इसको शेयर लाजमी कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच, इट वॉज अ प्लेयर हैविंग जितने भी लोग थे उनको, हैविंग देम विद मी. अगर आप लोग ना होते तो मुझे लगता है शायद मैं अपने आपसे बातें कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आई कैन सी द कॉमेंट्स. तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैं यानी कि लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ. तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड गुड लक विद योर बिजनेस. अल्लाह हाफिज़.